तो कल हम लोगों ने पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड, नॉट पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास की वजह से फील्ड देखा था हम लोगों ने, और वायर की वजह से फील्ड देखा था, वायर की वजह से पोटेंशियल देखा था, रिंग की वजह से फील्ड देखा था। तो ये सब चीजें देखी। अब इसके आगे हम लोग अब स्फेरिकल शेल के लिए हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है और जिसका मास कैपिटल एम है, और इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जहां पे मैं पोटेंशियल निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। तो क्या कर सकते हैं, तो मान लेते हैं इसका मास टोटल कैपिटल एम है, तो मैंने क्या किया, इसका थीटा एंगुलर पोजीशन पे डी थीटा एंगुलर थिकनेस का एक रिंग शेप का एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो अब इस रिंग का मास कितना होगा, सोचो। तो इस रिंग का मास कितना होगा, तो टोटल मास एम है, तो मास पर यूनिट एरिया तो एम अपॉन 4 पाई r² हो गया, ठीक है। और इस रिंग का एरिया क्या होगा, तो इसकी स्लांट हाइट तो आर डी थीटा है, और ये वाला जो रेडियस है ये आर साइन थीटा है। तो इसको कट करके अगर खोल देंगे तो मेरे पास क्या आएगी, 2 पाई r sin थीटा इंटू आर डी थीटा उसका एरिया आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डीएम मेरा एम अपॉन 4 पाई r² इंटू 2 पाई r sin थीटा इंटू आर डी थीटा। सिंप्लीफाई कर लेते तो ये आ जाता है एम बाई 2 sin थीटा डी थीटा, राइट। अब इस छोटे से मास की वजह से, तो देखो ये जो रिंग एलिमेंट है, इस रिंग के सारे पार्टिकल्स तो इस पॉइंट पी से इक्विडिस्टेंट हैं, और पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, माइनस जीएम बाई स्मॉल आर होता है। तो यहाँ पे स्मॉल आर का काम एस कर, और सारे पॉइंट्स के लिए सेम ही पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा सेम डिस्टेंस से। तो क्या आ जाएगा, माइनस जी डीएम अपॉन एस। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, डीएम मेरा थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, और जैसे जैसे मेरा एलिमेंट चेंज हो रहा है तो एस भी चेंज होते जा रहा है और थीटा भी चेंज होते जा रहा है। तो या तो सब कुछ मैं थीटा में कन्वर्ट करूं या सब कुछ एस में कन्वर्ट करूं। तो इट टर्न्स आउट यहाँ पे, मतलब नेचुरली भले ही तुम्हारे को इंक्लिनेशन से थीटा में इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, बट इट टर्न्स आउट यहाँ पे एस में कन्वर्ट करके आसान हो जाता है हमारा काम। कैसे आसान हो जाता है, तो वो देखते हैं। कोसाइन रूल से देख सकते हो क्या होगा, एस स्क्वायर जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर एंड माइनस 2 r r cos थीटा, ठीक है। ये लिखा होगा कोसाइन रूल से, तो इससे सीधे सीधे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 s d s इक्वल टू 2 r r sin थीटा d थीटा। कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर दे आर कॉन्स्टेंट्स, दे आर नॉट चेंजिंग विद द एलिमेंट। तो साइन थीटा डी थीटा चाहिए मुझे, है ना, यहाँ पे डीएम के अंदर साइन थीटा डी थीटा चाहिए था, तो उसको यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ एस के टर्म्स में, तो मेरा इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, v माइनस जी बाय एस तो एज इट इज है, ठीक है। तो माइनस जी बाय एस एज इट इज रखा हुआ है, और उसके बाद क्या किया, डीएम को क्या लिख दिया मैंने, एम बाई 2 s d s अपॉन आर आर, क्योंकि यहाँ से साइन थीटा डी थीटा मेरा एस डी एस अपॉन आर आर बन जाएगा, ठीक है। तो ये डीएम को सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब मेरा इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल हो गया। तो क्या आ गया, माइनस जी एम डी एस अपॉन 2 r r, ये मेरा पोटेंशियल आ गया, राइट। अब एस की लिमिट्स क्या होंगी, तो ये बहुत ध्यान से देखना है, एस की लिमिट्स। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए एस की लिमिट्स क्या हो जाएंगे, देखो तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, तो सबसे पहला रिंग यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे क्या है, जब थीटा 0 है तो यहाँ पे इससे एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर हो जाएगा, और ऐसे रिंग्स बनाते जा रहे हो तो आखिरी रिंग जो है यहाँ पे कहीं जाके बनेगा, तो इसके लिए एस की क्या वैल्यू हो जाएगी, एस जो है स्लांट डिस्टेंस है अप टिल द पेरिफेरी ऑफ द रिंग, तो वो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू अगर हम डाल देंगे तो मेरा पोटेंशियल जो बन जाएगा आउटसाइड पॉइंट के लिए, ये इंटीग्रल सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा सिंपली माइनस जी एम बाय स्मॉल आर, ये आ गया हमारी पोटेंशियल, राइट, ठीक है। नहीं तो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा यहाँ तक सब। अब इनसाइड पॉइंट के लिए बात करते, तो इनसाइड पॉइंट के लिए देखो, अगर मेरा ये पॉइंट भी अंदर है तो एस जो होगा यहाँ पे देखो, इसके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर मेरा लेस देन कैपिटल आर है, तो यहाँ के लिए मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा, है ना, और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं, अगर इनसाइड पॉइंट है यहाँ पे रिंग लिया है तो एस मेरा दिख रहा है, स्मॉल आर मेरा लेस देन कैपिटल आर होगा, तो इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक स्मॉल आर है और यहां से यहां तक कैपिटल आर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। और आखिरी रिंग जब यहां पे बनाओगे, ये डिस्टेंस तुम्हारा स्मॉल आर है, मान लो पी यहाँ कहीं है, तो ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो लिमिट्स हमारी चेंज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, मेरी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो ये लिमिट्स डाल दी अभी, ठीक है, तो ये अगर डाल दोगे, ये लिमिट्स डालोगे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डालोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे, तो अभी तुम्हारे पास इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आ जाता है, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, जो कि मेरा कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है। समझ में आया सभी को, क्लियर है, तो ये क्या आ गया, अंदर के पॉइंट पे मेरा कॉन्स्टेंट पोटेंशियल आ गया, यानी थ्रू आउट द शेल मेरा फील्ड कॉन्स्टेंट है। तो इसी तरह का रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आया था, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ से प्रूव किया था, या फिर हमने कैंसिलिंग एलिमेंट से हमने करके प्रूव किया था, अपोजिट एलिमेंट्स लेके कैंसिल किया था, ठीक है। तो बट ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी सेम रिजल्ट आ रहा है, तो अंदर जो है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है और बाहर में 1 बाय r से डिक्लाइनिंग है, ठीक है। तो क्या लिखा, नोट दैट पोटेंशियल एट द आउटसाइड पॉइंट इज जस्ट लाइक दैट ऑफ अ पॉइंट मास होना चाहिए ना, गलती से मैंने चार लिख दिया, स्टिल इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मोड, दिस शुड बी लाइक पॉइंट मास। आउटसाइड पॉइंट पे जो फॉर्मूला है ये यही फॉर्मूला हमारा पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल का होता है, ठीक है।
और इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल मेरा कांस्टेंट है। अब फील्ड कैसे निकलेगा, तो मुझे पता है फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल का डेरिवेटिव होता है, राइट। तो फील्ड ड्यू टू अटेंशन, तो ई इक्वल टू जी लिखना चाहिए वापस, इलेक्ट्रोस्टैटिक हैंगओवर, ओके दिस शुड बी जी, जी इज माइनस डी वी बाई डी आर, ओके। तो यूजिंग दिस वी कैन रेडली डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड राइट इलेक्ट्रिक नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वंस अगेन इट शुड बी ग्रेविटेशनल फील्ड। टू मच शेविंग lot of hangover of electrostatics because I did electrostatics just before gravitation, gravitational field होना चाहिए इनके, ठीक है। outside and inside point, तो अंदर के लिए तो zero हो गया क्योंकि अंदर constant ही था potential, तो उसका derivative zero हो गया, और outside point के लिए क्या हो जाएगा, minus d by dr minus gm by r, तो क्या आ गया मेरे minus gm by r square। तो ये भी देखो बाहर में जो field आ गया मेरा कैसा आ गया, बिल्कुल point mass जैसा field आ गया, right। तो पूरा कोई भी thin shell है अंदर के points के लिए कैसे behave करता है, जैसे कोई फील्ड है ही नहीं अंदर, जीरो फील्ड है अंदर, कुछ बिहेव ही नहीं करता, कोई ग्रेविटेशन बिहेवियर नहीं अंदर के पॉइंट के लिए, और बाहर के पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करता है, जैसे कि सारा का सारा मास उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, ठीक है। तो इसी चीज को फॉर्मली लिख दिया हमने, शेल थ्योरम्स बोलते हैं इन दोनों बातों को मिला के, शेल थ्योरम्स कहते हैं, शेल थ्योरम वन एंड टू। तो शेल थ्योरम वन क्या है, फॉर एन इनसाइड पॉइंट अ यूनिफॉर्म शेल प्रोड्यूसेस नो ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके। और शेल थ्योरम टू क्या है मेरा, फॉर एन आउटसाइड पॉइंट अ शेल बिहेव्स जस्ट लाइक अ पॉइंट मास एट इट्स होम सेंटर। समझ में आई बात की, ठीक है। और फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ हम लोगों का इस तरह का आ जाता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड है एक्चुअली माइनस साइन, तो खाली डायरेक्शन बता रहा है कि अट्रैक्टिव फील्ड है, तो माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ से जीरो से लेके कैपिटल आर तक मेरा जो क्या कहते हैं ये फील्ड है वो मेरा जीरो है, ठीक है, जीरो फील्ड चल रहा है यहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे सडनली जी एम बाय आर स्क्वायर है, और उसके बाद फिर वन बाय आर स्क्वायर से डिक्लाइन करता जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो तो अंदर तक, अंदर जो है अंदर से लेके सरफेस तक पूरा पोटेंशियल कांस्टेंट है, कितना है माइनस जीएम बाय कैपिटल आर, और उसके बाद फिर वन बाय आर से डिक्लाइन करके इन्फिनिटी पे जाके जीरो पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन साथ में रहता है, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का के जो है यहाँ पे माइनस जी से रिप्लेस होता है, तो इसलिए जो वहां पे पोटेंशियल का ग्राफ ऐसे आया था तो उसी का मिरर इमेज आ गया क्योंकि यहाँ कांस्टेंट नेगेटिव है, बट बाकी सारी थ्योरी बिल्कुल उसके पैरेलल चल रही है हम लोग, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग तो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या कर सकते हैं, तो सॉलिड स्फीयर को हम खूब सारे कंसेंट्रिक शेल्स का बना हुआ मान सकते हैं, इज इट नॉट। और सॉलिड स्फीयर की वजह से फील्ड निकालना है तो बाहर के पॉइंट के लिए तो ये सारे के सारे शेल्स इनके सेंटर पे ही कंसेंट्रेट कर देंगे, ठीक है। और अंदर कहीं निकालना है तो हमें पता है यहां से मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पे निकालना है तो खाली इतना मेरा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, इतने पॉइंट्स तो कैसे बिहेव करेंगे, इतना जो वॉल्यूम है इतना ऐसे बिहेव करेगा, ये सारा का सारा इसके सेंटर पे कंसेंट्रेट है, और इसके बाहर वाला शेल थ्योरम से कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। समझ में आ रही बात की नहीं, शेल थ्योरम से शेल जितना बाहर है, बाहर वाले शेल्स जो है यानी इस पॉइंट के बाहर बाहर यहाँ पे कोई भी शेल है इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी फील्ड जनरेट नहीं होगा, ठीक है। यानी तो क्या लिखा, अ सॉलिड स्फीयर कैन बी विजुलाइज्ड टू बी मेड ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक थिन शेल्स, देन बाय शेल थ्योरम टू फॉर आउटसाइड पॉइंट्स द एंटायर स्फीयर कैन बी अज्यूम्ड टू बी कंसेंट्रेटेड एट इट्स ओन सेंटर। तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए तो जी क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर, माइनस साइन मतलब अट्रैक्टिव, ठीक है। Now let us consider an inside point P at small r less than capital R. तो यहाँ पे अगर point P ले लिया, okay, the portion between small r and capital R contributes nothing to the field. तो यहाँ से ये जो volume है, this contributes nothing to the field at point P because of shell theorem, okay? And the portion between zero and r behaves like point mass. तो ये इसको zero बोल देते हैं या O बोल देते हैं। O से R के बीच में जो है, ये पूरा point mass की तरह behave करेगा, ठीक है? तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के लिए जी क्या हो जाएगा, तो कैपिटल जी एज इट इज, और मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एम अपॉन 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4 बाई 3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो ये मेरा डिवाइडेड बाय 1 बाय आर स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाता है माइनस जी एम आर बाय कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही रिजल्ट है, ठीक है। तो वहां के क्यू आर बाय कैपिटल आर क्यूब आया था, यहाँ पे माइनस जी एम आर बाय कैपिटल क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये मेरा जी वेक्टर आ गया, ठीक है, माइनस साइन क्योंकि अट्रैक्टिव फील्ड है हमारा, ओके। तो दिस इज द फील्ड एट इनसाइड पॉइंट, या फिर हम चाहें तो इसको मास डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मास डेंसिटी के टर्म्स में क्या करोगे, कैपिटल एम जो है मेरा उसको लिख सकते हो रो इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, राइट, वेयर रो इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसके टर्म्स में अगर देखोगे तो जी वेक्टर क्या आ जाएगा मेरा, माइनस 4 बाई 3 पाई जी रो आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे वो कैविटी वाली प्रॉब्लम की नहीं है, बट बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं एनीवे। तो कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड आ जाएगा, यूनिफॉर्म स्फेयर है उसके अंदर मैं स्फेरिकल कैविटी कर दूं तो उस कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड प्रूव कर सकते हैं यूजिंग दिस, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनीवे करते हैं बच्चे कैविटी वाला, तो यहाँ पे मैंने उसको नहीं लिया, ठीक है। अब पोटेंशियल निकालते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर की वजह से, पोटेंशियल क्या होगा,
तो क्या क्या बोल सकते हैं, फॉर आउटसाइड पॉइंट बाय शेल थ्योरम द पोटेंशियल इज जस्ट लाइक दैट ऑफ अ पॉइंट मास, तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए पोटेंशियल क्या आ जाएगा, माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट मास की तरह से ही बिहेवियर है, फील्ड का वर्क वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्फेस, इंफिनिटी से आउटसाइड पॉइंट, वो भी ऐसा ही रहेगा। तो ये सेम फॉर्मूला, ठीक है, और सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर को कैपिटल आर डाल दिया, राइट। अब इनसाइड पॉइंट्स के लिए मुझे ध्यान से काम करना पड़ेगा, तो क्या लिखा मैंने, नाउ फॉर इनसाइड पॉइंट्स वी कैन यूज द फैक्ट दैट जी इज माइनस डीवी बाई डी आर, जो जी है मेरा ग्रेविटेशन फील्ड वो माइनस डीवी बाई डी आर है। तो इसका तो माइनस डीवी बाई डी आर को क्या लिख सकता हूँ, माइनस जी एम आर बाई कैपिटल आर, क्योंकि अभी भी थोड़ी देर पहले जी निकाला था ना मैंने अंदर अंदर के पॉइंट पे, बस इसको उठा के इंटीग्रेट कर दो। और मुझे क्या पता है लिमिट की, सरफेस के ऊपर जब आर इक्वल टू कैपिटल आर है तो मेरा पोटेंशियल माइनस जी एम बाई कैपिटल आर है। ठीक है, सरफेस के ऊपर यहाँ पे देखा ना हमने, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल माइनस जी एम बाई कैपिटल आर है और जनरल आर के ऊपर पोटेंशियल को वी मान लिया। अब डेफिनेट इंटीग्रल करके मैंने वी के लिए सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एट एन इनसाइड पॉइंट क्या आ गया, सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में याद करने में आसान रहता है, क्या माइनस जी एम बाई कैपिटल आर और अंदर में 1.5 माइनस 0.5 स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशन में सारे फॉर्मूले भूल सकते हो लेकिन यानी सारे फॉर्मूले याद रह जाएंगे लेकिन ये वाला फॉर्मूला भूलने का सबसे ज्यादा चांस है, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इट्स एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देखने में थोड़ा टेढ़ा लग रहा है बट पुट इट इन योर मेमोरी राइट नाउ, फोटो खींचो दिमाग में इसको स्टोर कर लो। ठीक है, समझ में आया ना ये सभी को किस तरह से हमने डराइव किया, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लॉट फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए, फील्ड और पोटेंशियल के प्लॉट देख लेते हैं। तो अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड तो अंदर देखो लीनियरली वेरी कर रहा था, यही आया था ना हमारा फील्ड इनसाइड जी एम आर बाई कैपिटल आर क्यूब, राइट, ये मेरा फील्ड का बिहेवियर है। तो अंदर तो मेरा लीनियरली वेरी करते जा रहा है फील्ड और बाहर में मेरा 1 बाय आर स्क्वायर से डिक्लाइन करेगा, तो उसी तरह का बिहेवियर दिखा रखा है फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, ये मेरा फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ है। तो कहाँ पे फील्ड मैक्सिमम होता है, सर्फेस पॉइंट पे मैक्सिमम फील्ड होता है, सेंटर से सरफेस तक बढ़ते जाता है फिर उसके बाद फिर डिक्लाइन करता है। और पोटेंशियल का जो ग्राफ है मेरा, वो पोटेंशियल का ग्राफ इस तरह से आता है, सेंटर पे कितना पोटेंशियल आता है, माइनस 3gm/2r पोटेंशियल आता है। ठीक है, और उसके बाद फिर सरफेस के ऊपर माइनस जी एम बाय आर हो जाएगा, शेल थ्योरम से भी देख सकते हैं, और उसके बाद फिर 1/r से डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन है इसलिए ऐसा ग्राफ है। ठीक है, अब तुम लोगों को ये डाउट हो सकता है सर हमें कैसे पता कि ये कर्वेचर ऊपर होगा या नीचे होगा, मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि r को जीरो डाल दिया तो माइनस 3gm/2r आ गया, स्मॉल आर को जीरो डाल दिया तो, ठीक है, और स्मॉल आर को कैपिटल आर डाल दिया तो ये वैल्यू भी आ गई माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, लेकिन हमें कैसे पता इसके अंदर ऐसा ग्राफ नहीं है, ऐसे ही ऊपर की तरफ है ग्राफ। सिंपल सा है, किसी भी फंक्शन का पता करना है कि कर्वेचर सीधा है या उल्टा है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव ले लो। तो मेरे पास पोटेंशियल वर्सेज आर का फंक्शन है, डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर निकाल के देख लो, वो पॉजिटिव आ जाएगा तुम्हारा। देखो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है ना, यहाँ पे देखो, तो डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर करोगे, एक माइनस जी एम बाई आर तो कॉन्स्टेंट ही है, इसके इसके जितने भी डेरिवेटिव्स लोगे सब नेगेटिव आते जाएंगे, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दिख रहा है सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है कि नहीं इनसाइड पॉइंट पे, इसलिए वो सीधा कट हो रहा है उसका, समझ में आएगा कि नहीं। तो ये मेरा पोटेंशियल वर्सेज आर का ग्राफ आ गया, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, कोई डिस्कशन तो नहीं है इसमें अभी तक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अर्थ का जो ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ है हम लोगों का, वो उन लोगों का डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है, हाइट के साथ कैसे वेरी करता है, ये सब चीजें अब हम लोग निकालना चाहते हैं। तो सिंपली है, एक्चुअली हमने सॉलिड स्फीयर का निकाल रखा है, तो अर्थ को हम क्या मान लेते हैं, जेई के पर्पज से अर्थ को हम एक सॉलिड स्फीयर की यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की तरह मान लेते हैं, ऑल्दो ये करेक्ट नहीं है। इनफैक्ट इट टर्न्स आउट कि अर्थ की डेंसिटी जो है अंदर में, अगर देखोगे अंदर में तो आयरन है, ठीक है, तो आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो सॉइल की डेंसिटी और आयरन की डेंसिटी बराबर मान लेना, आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। डेंसिटी वेरी करती है, अर्थ इज नॉट अ यूनिफॉर्म स्फीयर, इट्स अ हाईली नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर, नॉट हाईली मतलब ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक नियरली मान सकते हो, वो भी परफेक्ट नहीं है, कहीं पे ओशन है, ओशन में पानी है और कहीं पे पत्थर है, तो नहीं है किसी भी तरह से यूनिफॉर्म स्फीयर तो नहीं है, लेकिन जेई के पर्पज से वी विल मॉडल इट लाइक अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो अभी हमको मान लो सरफेस से हमें पूछा है कि एच डेप्थ पे कितना एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होगा। ठीक है, तो मुझे मालूम है क्या फॉर्मूला, माइनस जी एम आर बाई कैपिटल आर क्यूब है। ठीक है, तो अभी स्मॉल आर को मैं क्या डाल दूंगा, कैपिटल आर माइनस एच डाल देता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरा जी डैश जो आ जाएगा माइनस जी एम कैपिटल आर माइनस एच अपॉन आर क्यूब, समझ में आई बात की नहीं। अब इसमें से क्या करो, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर तो कॉमन निकाल लो बाहर, ठीक है, और अंदर में क्या बचेगा, 1 माइनस एच बाई आर। ठीक है, बाय द वे इसमें कोई बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं है, एकदम एग्जैक्ट चल रहा है हम लोगों का फॉर्मूला, परफेक्टली एग्जैक्ट है। और जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब एच को जीरो डालोगे तो जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी अंडर सरफेस है, राइट। तो सरफेस पे, तो एच डेप्थ पे क्या होगा, सरफेस पे जो एक्सेलरेशन है इंटू 1 माइनस एच बाई आर, ये मेरा एच डेप्थ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है,
दिस इज एन एग्जैक्ट फॉर्मूला, देर इज नो बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन इन दिस। तो किसी माइन के अंदर जा रहे हो, जैसे गहराई में जा रहे हो, तो माइन की कितने किलोमीटर बाद कितना एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी वेरी करेगा, तो वो सब हम इससे निकाल सकते हैं। तो आई होप समझ में आया, सिंपली अब मैं हाइट के साथ निकालूंगा। तो वेरिएशन ऑफ अर्थ फील्ड विद हाइट, तो अभी देखो बाहर के पॉइंट्स पे हमारा क्या था फील्ड, जीएम बाई स्मॉल आर स्क्वायर था, राइट। अब स्मॉल आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल आर प्लस एच लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा फील्ड, जीएम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, अभी तक एग्जैक्ट है। यहाँ पे फिर क्या लिखा, जीएम बाय आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और 1 प्लस एच बाय आर टू द पावर माइनस 2, अभी भी एग्जैक्ट है। इसके बाद मैंने बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ तक एकदम एग्जैक्ट चल रहा है। बाय द वे जीएम बाय कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो गया, ये सरफेस के ऊपर एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी हो गया। तो जी डैश क्या आ गया, जी इंटू, अगर एच मच मच लेस देन आर है तभी हम ये लगाएंगे 1 माइनस 2 एच बाय आर। ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को तभी लगा सकते हैं जब मेरा एच जो है अर्थ के रेडियस से बहुत छोटा है। अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका करीब 10% मान लो 640 किलोमीटर तक लगा दोगे तो ठीक ठाक रिजल्ट आएगा। उसके बाद में फिर एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहिए, मतलब जहां पे कई बार दे रखा होगा हाइट जो आर बाय टू दे रखी है 3200 किलोमीटर, ऑब्वियसली ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते वहां पे, ठीक है। नहीं 10% में भी थोड़ी बहुत एरर रहेगी, बट उसके बाद तो जनरली बिल्कुल नहीं रिकमेंड करते बायनॉमियल यूज करना, ठीक है, ओके। So thus for small distances, acceleration to gravity declines twice as fast with height as with depth. तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे माइनस टू एच बाई आ रहा है और वहां पे मेरा माइनस एच बाई आ रहा है, ठीक है। तो अब तो मतलब डिक्लाइन करने का रेट हाइट के साथ डबल है एज कम्पेयर टू डेप्थ के साथ, यानी सरफेस से जितना डेविएशन एक किलोमीटर ऊपर होगा वो डबल हो जाएगा, ज्यादा तेजी से कम हो जाएगा। यानी नीचे अगर एक यूनिट कम होगा तो ऊपर दो यूनिट कम हो जाएगा, समझ में आई बात की नहीं, सरफेस के मुकाबले, ओके, ठीक है। तो thus for small distances the acceleration due to gravity declines twice as fast with height as with depth assuming uniform density which is actually not true, ठीक है, बट JEE के लिए उसको true मान के चलें। तो I hope समझ में आया ये सभी को, इसमें कोई discussion point तो नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं acceleration due to gravity का variation with latitude। तो एक चीज देखो, अर्थ कोई रुका हुआ sphere तो नहीं है ना, अर्थ स्पिन भी कर रहा है, 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, अर्थ के ऊपर कोई भी बंदा अगर बैठा हुआ खड़ा हुआ है, उसको अपार्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उसको महसूस हो रहा होगा, इधर अर्थ के एक्सिस के अबाउट अर्थ घूमे जा रही है, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर एक स्यूडो फोर्स भी लगेगा अर्थ के फ्रेम से, रोटेटिंग फ्रेम से देखोगे तो हमको जो ग्रेविटी महसूस होगी वो खाली ये नहीं कि अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से क्या है, वो अर्थ का अट्रैक्शन प्लस ये जो स्यूडो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के रिजल्टेंट के हिसाब से मुझे ग्रेविटी महसूस होगी, राइट। तो इफेक्टिव ग्रेविटी मेरी इसलिए लैटिट्यूड पे वेरी करेगी, क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे देखो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, तो इक्वेटर पे जो जो पॉइंट है वो तो खूब बड़े सर्कल में घूम रहा है, इज इट नॉट, उस पे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और जैसे जैसे तुम लैटिट्यूड तुम्हारा बढ़ते जा रहा है, तुम पोल के पास पहुंच रहे हो, छोटे सर्कल और छोटे सर्कल और छोटे सर्कल में, तो ये इफेक्ट जो है एकदम एग्जैक्ट अगर ज्योग्राफिक पोल्स पे देखोगे तो इफेक्ट नेगलिजिबल है, इज इट नॉट, खत्म ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसलिए मिनिमम एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कहां पे आएगा, इक्वेटर पे सबसे कम आएगा, राइट, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर और ग्रेविटी अंदर खींच रही है। तो मिनिमम एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी विल बी एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम विल अकर एट द पोल्स, ठीक है, ओके। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एनी पार्टिकल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ आल्सो एक्सपीरियंसेस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपार्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस दस इन द रेडियल डायरेक्शन। अगर रेडियल डायरेक्शन में हम बात करें तो अभी सब लोग ध्यान से देखना, तो ये थीटा मेरा लैटिट्यूड है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लग रहा है, ये मेरा एक्सिस है, तो m ओमेगा स्क्वायर और इसका डिस्टेंस एक्सिस से क्या, r cos थीटा, तो इस तरफ फोर्स जो लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा लग रहा है, राइट। इसका रेडियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा into another cos थीटा, समझ में आई बात की नहीं। तो रेडियल डायरेक्शन में जो बाहर की तरफ पुशिंग फोर्स है वो कितना हो गया, m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसका मतलब टेंजेंशियल यानी रेडियल डायरेक्शन में अगर मैं बोलूं एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी इफेक्टिव कितना हो गया, दैट इज g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा, समझ गए। इसके अलावा क्या होगा, एक टेंजेंशियल भी लगेगा, ठीक है, और एक वेक्टर तो मेरा रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में अच्छा खासा बड़ा वेक्टर है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में छोटा सा ही वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट देखोगे तो इफेक्टिवली वही का वही रहेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम कह सकते हैं टेंजेंशियल वाला अगर जोड़ भी लोगे तो नेट एक्सेलरेशन उसका इफेक्ट जो है वो सेकंड ऑर्डर टाइप का टर्म बनता है, तो बहुत छोटा ही आएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव, ठीक है, तो हम यही लेते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन ध्यान रखना, वो टेंजेंशियल वाले पार्ट को हम लोग कोई स्पेशल क्वेश्चन बना है जहां पे पूछा ही है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो उसको कंसीडर करेंगे, बट नॉर्मली हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को इफेक्टिव ग्रेविटी के अंदर उसके इफेक्ट कोई खास हम लोग वेटेज नहीं देते हैं, ठीक है। तो हम लैटिट्यूड के साथ फाइनली यही फॉर्मूला ध्यान रखते हैं, क्या, जी डैश इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई या कॉस स्क्वायर थीटा जो भी है, ठीक है, मैंने यहाँ पे थीटा लिखा, यहाँ पे फाई लिख दिया, सो लेट मी जस्ट मेक इट कंसिस्टेंट, जस्ट वन सेकेंड। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी मैं फाई लिख देता हूँ,
इधर भी फाइव लिख देता हूँ और उधर भी फाइव लिख देता हूँ, ये भी फाइव और ये भी फाइव, ओके, जस्ट टू मेक इट कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इफेक्टिव ग्रेविटी कहाँ पे मैक्सिमम है हमारी? इफेक्टिव ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। और ओमेगा की जो वैल्यू होती है ये बहुत छोटी होती है, तो ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, इक्वेटर पे और पोल्स पे नियरली इक्वल होता है, फिर भी ये सेकेंड डेसिमल प्लेस में जाके फर्क पड़ना शुरू होता है। 9.8 जो लेते हो तो इक्वेटर पे भी 9.8 और पोल पे भी 9.8, इट्स अ रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन टिल द फर्स्ट डेसिमल, क्योंकि अर्थ की ओमेगा कितनी है सोच के देखो, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है अर्थ, ठीक है, तो ओमेगा क्या हो जाएगी, 24 एक चक्कर यानी 2π रेडियंस, और डिवाइड बाय टाइम कितना होगा तुम्हारा, टाइम होगा 24 × 60 × 60, राइट, 24 आवर्स × 60 किया मिनट्स हो गया, इंटू अनदर 60 किया तो सेकेंड्स हो गया, तो सोच के देखो, तो 2π/24 × 60 × 60 ये मेरा ओमेगा है, और उसका भी स्क्वायर करना तो और भी छोटा नंबर होगा, इधर नॉट, छोटे नंबर का स्क्वायर करते तो और छोटा हो जाता है, राइट, तो ओमेगा स्क्वायर बहुत ही छोटा टर्म है, राइट, वो बात अलग है, अर्थ का रेडियस जो 6400 किलोमीटर है वो ठीक ठाक बड़ा है, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई करके भी इसका इफेक्ट ऐसा नहीं आता कि जो हमारे फर्स्ट डेसिमल में कोई खास फर्क ले गया है, तो इट्स अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, बट यस, क्वेश्चन इसी के ऊपर डायरेक्टली पूछा है तो फिर निकालना पड़ेगा, या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकता है कि भाई कितनी तेज से स्पिन करने लगे अर्थ की किसी का वेट जीरो हो जाए, वो भी हो सकता है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो गया तो फिर वेटलेसनेस महसूस होगी नॉर्थ सर्फेस पर, ठीक है नहीं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रेडियल कॉम्पोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑल्सो हैज अ कॉम्पोनेंट इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, हाउएवर इट डज नॉट कॉज एनी, होना चाहिए इट डज नॉट कॉज एनी सिग्निफिकेंट, इट डज नॉट कॉज एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल इफेक्टिव फील्ड्स, ठीक है, तो ठीक है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल के अलावा जो है यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट है, हाउएवर इट डज नॉट कॉज एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल इफेक्टिव फोर्स, वो एक बड़ा सा वेक्टर है और उसके साथ छोटा सा परपेंडिकुलर वेक्टर ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट में कोई खास फर्क नहीं होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं SHM इन अर्थ टनल, अर्थ के अंदर अगर मान लो मैंने टनल बना दी थ्रू एंड थ्रू, कोई क्वार्ड शेप की टनल बना दी अर्थ के थ्रू, कोई भी क्वार्ड बना दिया, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है कि इस टनल के अंदर जो SHM होगा, पहली बात तो SHM हमको प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन ये जो SHM आता है इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इस डी डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट आता है, इसका मतलब क्या, अर्थ में कहीं से कहीं टनल कर दो जो मेरा राउंड ट्रिप टाइम होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डिस्टेंस, तो मतलब जैसे बॉम्बे से, और ये राउंड ट्रिप का जो टाइम आता है कैलकुलेट करते तो इट कम्स आउट टू बी 84.6 मिनट्स आता है, इसका मतलब क्या है, दिल्ली से बॉम्बे अगर एक सीधे टनल कर दूं मैं तो 84.6 मिनट्स में राउंड ट्रिप करके आ जाओगे, इसका मतलब क्या, दिल्ली से बॉम्बे सिर्फ उसका हाफ लगेगा जो भी है 42.3 मिनट्स, तो उसमें दिल्ली से बॉम्बे पहुंच जाओगे, यानी नॉट जस्ट दिल्ली से बॉम्बे, दिल्ली से कोलकाता टनल कर दो, कोलकाता से न्यूयॉर्क टनल कर दो, ठीक है, कोई भी टनल कर दो, उसके अंदर जो टाइम आता है हम लोगों का SHM में तो इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होता है ना टाइम पीरियड, तो टर्न्स आउट दैट इफ यू जस्ट मेक अ टनल, एंड सबसे अच्छी क्या है, यू आर रनिंग दिस ट्रेन बाय ग्रेविटी ओनली, यू आर नॉट स्पेंडिंग एनी फ्यूल फॉर दिस, ऑफकोर्स एयर रेजिस्टेंस होगा या अंदर टनल के अंदर कुछ ड्रैग होगा, कोई फ्लूइड वगैरह अगर है उसके अंदर गैस वगैरह है तो उसको तुम्हें वैक्यूम पंप से बाहर निकालना पड़ेगा, या रेल्स पे चला रहे हो तो फ्रिक्शनलेस करना पड़ेगा रेल्स को, वो सब चीजें हैं, आई डोंट नो हाउ मच दिस इज फीजिबल, क्योंकि अर्थ के थ्रू अगर टनल करोगे तो मेरे को लगता है कई सारी चीजें, मतलब मे भी कुछ सिविल इंजीनियर्स क्या पता वर्कआउट करें फ्यूचर में, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कहीं से कहीं ट्रैवल कर सकते हो बस 84.6 मिनट्स राउंड ट्रिप, ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है तो फिर तो मतलब ये है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तो ऑफकोर्स अर्थ के कोर के थ्रू तो नहीं जाओगे, इट्स वेरी हॉट, तो वो देखना पड़ेगा, बट ये हो सकता है फिर भी चलो कुछ तो टनल्स बना सकते हैं ऊपर ऊपर से जहाँ ठंडा ठंडा है, ठीक है, तो पढ़ते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसकी मैथ्स देख लेते हैं, तो इमेजिन अ टनल डग थ्रू अर्थ इनटू व्हिच पार्टिकल इज रिलीज, यहाँ पे कोई पार्टिकल रिलीज कर दिया इस टनल में, लेट द पार्टिकल बी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पॉइंट इन द टनल नियरेस्ट टू द अर्थ सेंटर, तो इस पॉइंट से ये एक्स डिस्टेंस पे मेरा पार्टिकल है, ठीक है, द फोर्स ऑन द पार्टिकल अलोंग द टनल, तो इसका जो टनल के अलोंग जो फोर्स होगा वो कितना होगा, एफ पैरेलल इज GMR by capital R cube, ये तो मेरा नेट फील्ड हुआ यहाँ पे, ठीक है, इस फील्ड का कॉम्पोनेंट मेरे को इस डायरेक्शन में चाहिए, राइट, तो GM by R cube into small r into small m, ये फील्ड into मास कर दिया into sin theta, ये मेरा मास टाइम्स एक्सेलरेशन हो गया, राइट, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या आ गया, अच्छा साइन थीटा मेरा क्या है, तो साइन थीटा दिख रहा है तुम लोगों को, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज एक्स अपॉन स्मॉल आर, ठीक है, तो यहाँ पे x अपॉन स्मॉल आर डालोगे साइन थीटा को तो स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा और ये खाली यही बचेगा क्या, माइनस जी एम एक्स अपॉन कैपिटल आर क्यूब, समझ में आई बात की नहीं, दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ SHM, दिस पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM विद टाइम पीरियड 2π अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम, ठीक है,
इतने टाइम पीरियड का ये SHM एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें भी GM बाय आर स्क्वायर को 1 बाय जी रख सकते हो, तो इसको 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना होगा राउंड ट्रिप टाइम, 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी। तो जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और रेडियस जो आपका 6400 किलोमीटर है उसको डालोगे तो ये जो टाइम पीरियड आ जाएगा, तो क्या लिखा, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ फॉर अर्थ द टाइम कम्स आउट टू बी 84.6 मिनट्स, ठीक है। दस फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर ट्रैवल टाइम अलोंग द टनल फ्रॉम सरफेस टू सरफेस पॉइंट वुड बी 42.3 मिनट्स, टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल डी। कहीं से कहीं तक सिर्फ 42 मिनट्स में जा सकते हो, अभी पता नहीं न्यूयॉर्क जाने में कितना टाइम लगता है, अगर इस तरह से जाएंगे तो सिर्फ 42 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है। कहीं से कहीं पे, नॉट जस्ट न्यूयॉर्क, कहीं से कहीं तक फ्लैट टिकट 42 मिनट्स में पहुंचोगे और फ्यूल खर्च होगा नहीं, ठीक है। गॉड नोस मतलब बाद में फ्यूचर में सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हो हमारी, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया डेफिनेटली, बिना एनर्जी के ट्रैवल कर सकते हैं हम लोग, है ना, या थोड़ी बहुत एनर्जी लग भी जाए तो नॉट अ बैड डील, सीरियस रिडक्शन इन टाइम, राइट। कोई लोग जाते हैं यहाँ से US तो जेट लैग करते रहते हैं, सोते रहते हैं चार दिन, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ एन इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम। मान लो मेरा इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम है, नॉर्मली तो एल लेंथ का पेंडुलम होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, उसका टाइम पीरियड आ जाता है। अब मान लो मैंने बहुत लंबा पेंडुलम मैंने टांग दिया, ठीक है, मान लो 10 आर। इनफाइनाइट लेंथ मतलब प्रैक्टिकली लॉन्ग पेंडुलम्स की बात कर सकते हैं, यानी अर्थ के रेडियस के मुकाबले अच्छे खासे कंपेरेबल लेंथ की अगर पेंडुलम्स हैं हमारे, तो उसका टाइम पीरियड क्या आएगा। तो ध्यान से देखना जरा, अगर इनफाइनाइट रेडियस का मेरा पेंडुलम है तो उसका जो मोशन है वो बिल्कुल प्योर ट्रांसलेशन जैसा दिखेगा, यानी थ्रेड मेरे को पहले इस तरफ दिख रही होगी इन्फिनिटी को जाती हुई, थोड़ी देर बाद ये एक्स डिस्टेंस इधर आ गया तो अभी थ्रेड इधर से भी इन्फिनिटी पे जा रही होगी, इधर नॉट, तो ये दोनों लाइन्स नियरली पैरेलल दिखेंगे, इधर नॉट। अगर दो लाइन्स का इंटरसेक्शन इन्फिनिटी पे है तो वो पैरेलल जैसे दिखेंगे, इधर नॉट। तो मान लो ये एक्स डिस्टेंस और एक्स अभी छोटा है, ठीक है, एक्स इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे जो मेरा ग्रेविटेशन फील्ड लगेगा वो कितना लगेगा, ये तो एम जी के बराबर लगेगा एक्स अगर स्मॉल है, और इसका रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, mg into sin theta रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। आई बस समझ में नहीं, तो क्या लिखा, the pendulum string has infinite length for small displacement, the radius of curvature is at infinity, यानी center of curvature होना चाहिए, is at infinity, center of curvature लिख देते हैं, center of curvature, center of curvature is at infinity, thus motion can be assumed to be along a straight line, तो इसको हम straight line motion जैसा assume कर सकते हैं, ठीक है। Tangent to the earth. Now restoring force क्या हो जाएगा? वो mg sin theta हो जाएगा। अगर x small है तो g almost वही ले सकते हैं जो surface पे g होता है। तो mg sin theta मेरा इस तरफ force लग रहा है, ठीक है? तो उसको क्या लिख सकते हैं? mg x by r. तो time period क्या आ गया? ये आप इसको m d square x by dt square लिख लोगे? In fact minus sign लगा लो क्योंकि restoring है ये force, इसलिए minus sign लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? Minus m d square x by dt square. तो बस, तो time period क्या आ गया? ये भी 2 pi root r by g आ गया, ठीक है? तो ये भी वही टाइम पीरियड आ रहा है जो अर्थ टनल का था टाइम पीरियड, समझ गया कि नहीं, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से किसी बंदे को इधर से एक पाइप, अर्थ की टैंजेंट पे एक पाइप लगा दो, ठीक है, इस पाइप में यहाँ से घुसेगा बंदा तो यहाँ से फिर उसके बाद इसको कुदा सकते हैं, ठीक है, समझ गए कि दूसरी साइड से, यानी ठीक है सेफली कुदाना, यानी ठीक है, समझ गए कि नहीं, ये भी कर सकते हैं। तो अर्थ के सर्फेस के पैरेलल अगर मैंने कोई पाइप लगा दिया या कोई टेबल लगा दिया मैंने, तो उस टेबल के ऊपर भी जो पार्टिकल है वो SHM करेगा, ठीक है। अगर फ्रिक्शन विक्शन नहीं है तो उसका भी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, भाई 2 पाई रूट आर बाई जी हो जाएगा, क्योंकि अगर फ्लैट सरफेस पे इधर उधर जा रहा है तो चार्ज गुड एज इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम, अगर तुम देखो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनफाइनाइट पेंडुलम जाते हैं, अगर सर अर्थ के ऊपर टैंजेंट के अलोंग कोई चीज इधर उधर मूव कर रही है, समझ गए। तो टेबल बना सकते हो, पाइप लगा सकते हो अर्थ के सर्फेस पे टैंजेंट, और उसके एक साइड पे अगर तुम रखोगे पार्टिकल तो दूसरी साइड पे वही 42.3 मिनट्स में बाहर निकल आएगा। तो आई होप समझ में आएगा ये। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इस एनालिसिस के लिए, इस वाले के लिए x स्मॉल होना चाहिए, पिछले वाले के लिए x लार्ज भी हो सकता था, वो एग्जैक्ट फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे x को स्मॉल होना चाहिए क्योंकि इस डेरिवेशन में मैंने क्या किया, इसमें इसके ऊपर जो फोर्स लगा दिया उसको mg लिख दिया, यानी सरफेस वाला ही ले लिया, तो दैट विल बी ट्रू ओनली व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग ओनली नियर द सर्फेस, अगर बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड में जा रहा है तो फिर ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो 2 पाई रूट आर बाई जी इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम का टाइम पीरियड, तो सच ए पेंडुलम आल्सो हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 84.6 मिनट्स, इफेक्टिवली दिस विल आल्सो बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन अ फ्रिक्शनलेस पाइप ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे फ्रिक्शनलेस पाइप लगा देंगे उसमें भी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड यही होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी एज यू प्रेफर। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, अगर मेरे को सर्कुलर ऑर्बिट में किसी पार्टिकल को भेजना है, पार्टिकल या सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में भेजना है, तो जो जितनी स्पीड देनी पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो
The velocity that must be given to a satellite so that it may execute a circular orbit of certain radius around a planet is called the orbital velocity. Let mass of the planet be capital M. Now balancing the centrifugal and gravitational forces. तो हम क्या करते हैं centrifugal force और gravitational force तो balance करते हैं कि constant radius के circle में जा रहा है तो rotating frame में ही चलेगा ठीक है. तो क्या हो जाएगा तो mv square by r is equal to gm m by r square हो जाएगा. यहाँ small m क्या है small m satellite का mass है ठीक है. तो centrifugal force तो ये हो गया ना mv square by r ठीक है. तो that is equal to gm m by r square समझ में आ रहा होगा. तो इससे मेरे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ गई मेरी रूट जी एम बाई आर आ गई. तो वी ओ इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ में आया कि नहीं ठीक है. अब अर्थ के लिए हम स्मॉल जी लिखते हैं जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर. तो वी नॉट को मैं रीअरेंज करके ऐसा भी लिख सकता हूँ जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर को जी लिख दो ठीक है. तो क्या आ जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी को रूट ऑफ जी आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर भी लिख सकते हैं. कई बार कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्म अच्छा होता है क्योंकि स्मॉल जी की वाली सभी को एकदम से पता होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ठीक है. तो फिर ये क्या हो जाएगा अब सोचो कि अगर सरफेस के पास में अगर हम बात करते हैं तो सरफेस के लिए क्या हो जाएगी सरफेस के लिए तो मेरी ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट जी एम बाई कैपिटल आर ही हो जाएगी. अगर लो अर्थ ऑर्बिट है या नियर अर्थ ऑर्बिट है तो उसमें स्मॉल आर को मैं कैपिटल आर ही रख सकता हूँ ठीक है. तो रूट जी एम बाई कैपिटल आर को तो मैं क्या लिख सकता हूँ वो ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर द सरफेस लिख सकते हैं. तो किसी भी जनरल हाइट पे क्या हो जाएगी वेलोसिटी एट द सरफेस इनटू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर. तो ये मेरा स्मॉल आर हाइट फ्रॉम द हाइट ना बोले इनफैक्ट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पे ये मेरा ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगा ठीक है. वेयर वीएस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ और वीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट जी इनटू कैपिटल आर और ये कितना होता है मेरा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड. यानी यहां से अगर मेरे को मैं कोई चीज लॉन्च करना चाहता हूँ बॉम्बे से ताकि वो घूम के अर्थ के अराउंड पूरा चक्कर लगा के वापस बॉम्बे आए कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा मुझे 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकना पड़ेगा ठीक है. ऑब्वियसली कुछ हाइट से फेंकोगे नहीं तो बिल्डिंग से टकरा सकता ठीक है. और एयर ड्रैग भी नहीं होना चाहिए ये आइडियल केस विदाउट एयर ड्रैग. तो इतनी स्पीड से फेंकोगे तो वापस आ जाएगा पूरा सर्कल ठीक है. ओके 7.9 किलोमीटर पर सेकंड. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूले मल्टीपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं या तो रूट जी एम बाई स्मॉल आर लिखो या रूट ऑफ जी कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर लिखो या ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर द सरफेस इनटू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर लिखो ठीक है. सरफेस पे रूट जी कैपिटल आर या रूट जी एम बाई कैपिटल आर विच इज 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड. तो ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है समझ गए एक सेकेंड में 7.9 किलोमीटर ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर ठीक है. तो अच्छा खासा डिस्टेंस हो गया यहाँ से शायद जुहू से भी ज्यादा दूर हो जाएगा यहाँ से मरोल से लेके जुहू के पार कहीं पे पहुंचेगा. जुहू भी 5-6 किलोमीटर ही होगा और दूर समझ गए. इतनी स्पीड चाहिए एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब ऑर्बिट कर पाएगा. तो इतनी स्पीड होती है समझ गए इस ऑर्डर की होती है स्पीड. ओके तो आई होप दिस इज क्लियर. इसके बाद हम लोग बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का पर्पस क्या होता है और कैसे बनाते हैं सब लोग ध्यान से समझ लें. सब लोगों ने एंटेना देखे हैं कम्युनिकेशन के लिए एंटेना होते हैं. एंटेना क्या करता है जैसे अर्थ के सर्फेस के ऊपर अगर मैंने एंटेना खड़ा कर दिया और एंटेना के टॉप से मैं सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो तुम्हें पता है अर्थ तो गोल है तो अर्थ की टैंजेंट्स तक ही वो कवर कर सकता है इज इट नॉट. तो अगर छोटी हाइट का एंटेना है तो टैंजेंट से तो बहुत ज्यादा दूर नहीं दिखाई देगा तुमको. टैंजेंट बहुत जल्दी अर्थ को टच कर जाएगी तो एक छोटा सा एरिया ही वो कवर कर पाएगा ट्रांसमिशन के लिए. तो इसलिए क्या करना है अगर मुझे बहुत बड़ा एरिया कवर करना है तो बहुत ऊंची हाइट का एंटेना होना चाहिए इज इट नॉट. लेकिन कितना ऊंचा एंटेना बना लोगे अर्थ के सर्फेस से 1 किलोमीटर ऊंचा भी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इनफैक्ट उसके लिए अच्छी खासी इंजीनियरिंग लगेगी और 10 किलोमीटर ऊंचा तो एंटेना कैसे ही बनाओगे इज इट नॉट. तो क्या कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन एंटेना हम क्या कर सकते हैं सैटेलाइट के सैटेलाइट को यूज कर सकते हैं. कोई ऐसा सैटेलाइट हो जाए जो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो तो सोचो उससे अगर अर्थ की टैंजेंट्स अगर ड्रॉ करेंगे तो अगर अच्छी खासी हाइट है तो फिर काफी दूर तक हमारा एरिया कवर हो जाएगा ठीक है. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है इक्वेटोरियल प्लेन में हम ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं सच दैट उसका ऑर्बिटल का जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर यानी 24 आवर्स में अगर अर्थ के अराउंड पूरा सर्कल कर रही है इक्वेटोरियल प्लेन में तो क्या होगा जिस पॉइंट के ऊपर है उसके साथ साथ ही चल रही है इज इट नॉट. मान लो इक्वेटर पे कोई पॉइंट है तो कोई भी माने श्रीलंका से का कोई होगा क्या पता तो उस पॉइंट के ओवरहेड हमेशा चल रही है वो सैटेलाइट समझ गया कि नहीं. तो वो क्या है तो श्रीलंका को वो यूज श्रीलंका उसको यूज कर सकता है. मान लो श्रीलंका में कोई टेस्ट मैच हो रहा है या कुछ भी मैच हो रहा है तो वो क्या करेगा वहां से सैटेलाइट को सिग्नल भेजेगा और सैटेलाइट जो उसको अर्थ की टैंजेंट सैटेलाइट से जहां जहां तक मीट हो रही है तो प्रैक्टिकली ये इसकी जियोसैट की हाइट जो है सरफेस से हमारी 35,000 किलोमीटर होती है और इसका रेडियस जो है 6400 किलोमीटर. तो प्रैक्टिकली कह सकते हैं करीब करीब 50% ऑफ अर्थ कवर कर सकते हैं इस जियोसैट से. समझ में आया इस बात की नहीं. यहाँ पे अगर जियोसैट है तो प्रैक्टिकली 50% ऑफ अर्थ को ये कवर कर लेगा. समझ में आया बात की नहीं.
तो जनरली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस तरह के सैटेलाइट बड़े यूजफुल हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया से जियो सैट को दिया, और जियो सैट से फिर जहां पे उसका कवरेज एरिया वहां पे आ गया, ठीक है। या फिर एक जियो सैट ने दूसरे जियो सैट को रिले कर दिया, समझ गए, यहाँ पे एक जियो सैट लगा तो इसने कुछ कवर कर रखा नियरली हेमिस्फेयर, ये जियो सैट के अलावा इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर ही यहाँ पे एक और जियो सैट लगा वो भी कवर कर रहा था, ऐसे सर्कल में जियो सैट अरेंज कर दोगे तो पूरे अर्थ को भी कवर कर सकते हैं, समझ में आई बात नहीं, ठीक है। तो क्या है ये, सैटेलाइट विच इज ऑलवेज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, विच इज ऑलवेज एट रेस्ट, हाँ, इज कॉल्ड अ जियो स्टेशन सैटेलाइट। फॉर अ जियो स्टेशन सैटेलाइट द एंगुलर वेलोसिटी मस्ट मैच द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैन ओनली बी प्रेजेंट इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एग्जाम्पलर का ये है कि क्या दिल्ली के ऊपर जियो सैट हम लगा सकते हैं, आंसर है नहीं लगा सकते, क्यों, सोचो ये तो मेरी इक्वेटर है, ठीक है, दिल्ली का लैटिट्यूड यहाँ कहीं होगा, इज इट नॉट। अब दिल्ली के लैटिट्यूड के अगर ओवरहेड मुझे जियो सैट रखना है, मान लो दिल्ली के लैटिट्यूड के ठीक ऊपर या मॉस्को के ठीक ऊपर रखना है, उसका ऑर्बिट ऐसा बनना पड़ेगा, इज इट नॉट, क्योंकि दिल्ली के, समझ रहे हो, दिल्ली तो दिल्ली के वर्टिकल जो लाइन है वो ऐसे करके ऐसे एक सर्कल ट्रेस करेगी। अब यहाँ पे अगर जियो सैट लगाना है तो उसका सेंट्रिपिटल फोर्स इसके सेंटर के अलोंग यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन सेंटर तो फोर्स तो हमारा अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, या तो फिर उससे उसके ऊपर जो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है इसको बैलेंस करने के लिए कुछ रॉकेट्स लगाने पड़ेंगे उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, समझ में आ रही है बात की नहीं, अनफ्यूल्ड तो नहीं हो सकता, तो इसलिए दिल्ली के ऊपर जियो सैट लगाना पॉसिबल नहीं है, अनफ्यूल्ड जियो सैट लगाना पॉसिबल नहीं, लेकिन इक्वेटोरियल प्लेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेटोरियल प्लेन में हमारा सर्कल जो है सर्कल का सेंटर अर्थ का सेंटर ही है, इज इट नॉट, समझ में बात की, इक्वेटोरियल प्लेन में जियो सैट हो सकता है, ठीक है, और इक्वेटोरियल प्लेन में परफेक्ट ओमेगा भी मैच हो जाएगी हमारी, ठीक है नहीं। तो जियो सैट मस्ट बी प्रेजेंट ओनली इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। नाउ लेट ओमेगा ई बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, नाउ बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय ग्रेविटेशन फोर्स। तो ओमेगा ई से ये घूम रही है, तो अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, एम ओमेगा ई स्क्वायर इनटू आर, वेयर एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट, दिस शुड बी इक्वल टू जी एम एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस आर की वैल्यू क्या आ गई मेरी, जी एम बाय ओमेगा ई स्क्वायर होल टू द पावर 1/3, तो ये मेरा अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस आ गया, ठीक है, ठीक है। तो जियो स्टेशन सैटेलाइट का क्या आ गया, जी एम बाय ओमेगा ई स्क्वायर होल टू द पावर 1/3। अब इसमें ओमेगा ऑफ अर्थ मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, 2π डिवाइड बाय 24 इनटू 60 इनटू 60, वो सब वैल्यूज डाल दो, अर्थ का मास डाल दो, कैपिटल जी की वैल्यू डाल दो, तो अर्थ का मास कितना होता है बाय द वे, 6 × 10²² kg होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, और अर्थ की ओमेगा यहाँ पे, और अर्थ का रेडियस, तो अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, तो इससे आरजी की वैल्यू आ जाती है 42164 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ से। तो अब रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सरफेस से आ जाएगी इसकी हाइट, ठीक है, तो सरफेस से कितना आ जाता है इसका ऑल्टीट्यूड, करीब करीब आ जाता है 36000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, ओके। अच्छा इक्वेशन वन मेरी क्या है, यहाँ पे देखो ये मेरी इक्वेशन वन है, तो ये तो मेरा ऐसा सेटेलाइट है जो ओमेगा ई से घूम रहा है, लेकिन अगर मान लो कोई और सेटेलाइट है जो ओमेगा ई की जगह किसी और ओमेगा से घूम रहा है, वो भी तो हो ही सकता है, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो इसी फॉर्मूले में ओमेगा ई की जगह हम उसका ओमेगा डाल देंगे तो उसका उसका एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, समझ में आई बात की नहीं, तो उसका उसका हाइट आ जाएगा उससे, तो इससे मेरे पास जो टाइम पीरियड आएगा, तो ओमेगा अगर मुझे पता है तो ओमेगा से टाइम पीरियड कैसे रिलेटेड होता है, 2π बाय ओमेगा कर देते हो टाइम पीरियड आ जाता है, तो वो क्या आ जाएगा इसी से, इसी इक्वेशन में अगर ओमेगा को मैं सब्जेक्ट बना लूं, ये सोचो ये वाली इक्वेशन में एमएम को कैंसिल कर दूं और ओमेगा को एक तरफ रखूं, ठीक है, और आर को दूसरी तरफ ले जाऊं, तो ओमेगा में और आर में रिलेशन आ जाएगा, यानी टाइम पीरियड और आर में रिलेशन हो जाएगा, तो इसको रीअरेंज करते हो तो मेरे पास क्या रिलेशन आ जाता है, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है, कोई भी जियो स्टेशनरी नहीं भी है, कोई भी आर्बिट्री रेडियस में अगर सेटेलाइट घूम रही है तो उसका राउंड ट्रिप का जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर विल बी 4π² / gm इनटू वो जिस रेडियस में घूम रही है उसका क्यूब, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन अबव वी कैन से दैट टी स्क्वायर इज 4π² / gm इनटू स्मॉल आर क्यूब, वेयर स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट ऑफ दैट सैटेलाइट, ठीक है। सो टी इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ एनी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, दिस कैन बी रेडली यूज्ड टू कंपेयर टाइम पीरियड्स ऑफ टू सैटेलाइट्स, तो दो सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड हम सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब t1² / t2² will be proportional to r, it will be equal to r1 cube upon r2 cube, समझ गए, t square is proportional to r cube, okay, time periods of in various circular orbits, ये circular orbits की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हमने, if a satellite revolves around a planet in the same sense as the rotation of the planet, the motion is said to be prograde,
दो तरह के मोशन होते हैं, प्रोग्रेड मोशन हो सकता है या रेट्रोग्रेड मोशन हो सकता है। तो जैसे अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ठीक है, तो सैटेलाइट भी अगर मेरी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो उस सैटेलाइट को मैं प्रोग्रेड सैटेलाइट कहूंगा, और अगर सैटेलाइट मेरी ईस्ट टू वेस्ट घूम रही है तो उसको रेट्रोग्रेड सैटेलाइट कहूंगा। समझ गए? बाय द वे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑब्वियसली प्रोग्रेड होनी चाहिए, इज इट नॉट? अगर रेट्रोग्रेड सैटेलाइट डाल दी जियो स्टेशनरी वाले ही ऑर्बिट में तो उसका पता है क्या हो जाएगा अर्थ के रिलेटेड? अर्थ 24 आवर्स में ऐसे घूमेगी और वो 24 आवर्स में उल्टा घूम जाएगी। इसलिए सेम पॉइंट टू सेम पॉइंट अगर ध्यान से सोचोगे तो 12 आवर्स में वो ओवरहेड आ रही होगी एक्चुअली, लेकिन वो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी नहीं रहेगी। ठीक है, वो आगे कैलकुलेशन आ रही है उसकी, विल सी द न्यूमेरिकल हाउ टू कैलकुलेट ओवरहेड टाइम्स ऑफ द सैटेलाइट्स। ठीक है, ठीक है, तो समझ गए? इफ अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इन अपोजिट सेंस टू द रोटेशन ऑफ प्लैनेट वी कॉल द मोशन रेट्रोग्रेड। ओके, जियोसैट्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन, वेदर फॉरकास्टिंग, ओशनोग्राफी एंड ट्रैकिंग। तो जियो स्टेशनरी से ये सब काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओशन की फोटो खींचनी है, ओके, कम्युनिकेशन करना है, वेदर देखना है कि कहाँ पे सुनामी आने वाली है, कहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, क्लाउड्स कहाँ इकट्ठे हैं। ठीक है, पहले इनफैक्ट आता था टीवी के ऊपर आता था कि इनसैट 1B से फोटोग्राफ्स लेके दिखाते थे, दूरदर्शन पे पहले आता था, तो वही सैटेलाइट से फोटोग्राफी करते थे। ठीक है, या फिर तुमने वो भी देखा होगा, एक कौन सी मूवी थी, परमाणु करके मूवी थी, उसमें यूएस का कोई सैटेलाइट था जो फोटोग्राफी कर रहा था, दैट वाज नॉट अ जियोसैट। ऑब्वियसली जियोसैट होता तो फिर उसका टाइम नहीं होता कि इतने, उसकी कुछ टाइम विंडो थी कि इसके ऊपर से इतने टाइम तक निकलेगा। जियोसैट होता तो वो एक ही जगह के ऊपर रहता है। ठीक है, ओके, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ इन इक्वेटोरियल प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज सीन फ्रॉम द स्पेस फ्रेम। ध्यान रखना ये जो ओमेगा है स्पेस फ्रेम से, अर्थ के फ्रेम से ओमेगा अलग हो जाएगी क्योंकि अर्थ खुद भी घूम रहा है, तो स्पेस फ्रेम से कुछ ओमेगा है तो अर्थ के फ्रेम से उसकी ओमेगा कुछ और नजर आएगी। समझ में आई बात कि नहीं? तो ओमेगा एज सीन फ्रॉम स्पेस फ्रेम, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन इज ओमेगा ई, फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द टाइम्स व्हेन द सैटेलाइट इज ओवरहेड अबव अ सर्टेन सिटी ऑन द इक्वेटर इफ द सैटेलाइट इज पार्ट ए प्रोग्रेड एंड पार्ट बी रेट्रोग्रेड। तो आसानी है क्वेश्चन, देखो अर्थ खुद ओमेगा ई से घूम रहा है, तो अर्थ को अगर स्टेशनरी मान लूं तो अगर ये प्रोग्रेड सैटेलाइट है तो मुझे कितने ओमेगा से घूमता दिखेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा ई से घूमता दिखेगा, इज इट नॉट? क्योंकि अर्थ खुद ओमेगा ई से घूम रहा है और वो ओमेगा से घूम रहा है, तो अर्थ के फ्रेम से वो ओमेगा माइनस ओमेगा ई से घूमता दिखेगा अगर प्रोग्रेड सैटेलाइट है। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे, मान लो बॉम्बे नहीं है इक्वेटर पे, ठीक है कोई बात नहीं, इंडिया ने मिस कर दिया इक्वेटर, तो थोड़ा सा नीचे से निकल जाता है वहां से, क्या नाम है, तमिलनाडु के थोड़ा नीचे, श्रीलंका के अंदर या ऊपर कहीं से इक्वेटर, तो वहां पे कहीं है मान लो, जो भी है तुम्हारा शिप वहां पे खड़ा, उससे ओवरहेड टाइम क्या हो जाएगा, 2π/ω-ω ये टाइम पीरियड आ जाएगा, राइट? क्योंकि पूरा सर्कल घूम के आना अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ के फ्रेम से पूरा सर्कल काटना। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ अर्थ अ प्रोग्रेड सैटेलाइट इन इक्वेटोरियल प्लेन विल अपीयर टू बी रिवॉल्विंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इफेक्टिव क्या दिखेगा सैटेलाइट का, ओमेगा-ओमेगा ऑफ अर्थ, राइट? Thus for a prograde satellite overhead times क्या हो जाएंगे over a city on the equator, तो t effective क्या हो जाएगा 2π/ω effective which is 2π/ω-ωe। ठीक है, यहाँ पे mod लगा दिया क्योंकि prograde satellite का अर्थ से ज्यादा भी हो सकता है ओमेगा, अर्थ से कम भी हो सकता है, इसलिए मैंने mod लगा दिया। ठीक है, अगर अर्थ से ज्यादा है उसका ओमेगा तो फिर उस सिटी के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ वो भागती हुई दिखेगी, मतलब वो ईस्टवर्ड जाती हुई दिखेगी, तो ईस्ट की तरफ से वो सर्कल कंप्लीट करेगी अगर प्रोग्रेड की ओमेगा अर्थ की ओमेगा से ज्यादा है, और अर्थ की ओमेगा से कम है तो वो वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट करते हुए अर्थ के अराउंड सर्कल कंप्लीट करेगी। समझ में आई बात की नहीं? क्योंकि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट जाती है हमारी। ओके, इसी तरह से रेट्रोग्रेड सैटेलाइट है तो उसका इफेक्टिव ओमेगा क्या हो जाएगा, अर्थ का, अर्थ की ओमेगा के अगेंस्ट, तो अर्थ इस तरह घूम रही है और सैटेलाइट इस तरह घूम रहा है, तो अर्थ के रिलेटेड क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा ऑफ अर्थ हो जाएगा, राइट? इफेक्टिव ओमेगा क्या हो जाएगी, ओमेगा प्लस ओमेगा ही, तो टी इफेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा, टाइम इंटरवल बिटवीन ओवरहेड टाइम्स क्या हो जाएगा, 2π/ω+ω। आया समझ में सभी को? क्लियर है पक्का? ठीक है, फिर एक एग्जांपल और देखते हैं। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, इसमें एक सिली मिस्टेक हो सकती है। अब ये अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा है, टू सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड अर्थ विद एंगुलर स्पीड्स ओमेगा ए एंड ओमेगा बी इन स्पेस फ्रेम, बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन इक्वेटोरियल प्लेन, फाइंड द टाइम पीरियड बिटवीन द टाइम्स व्हेन सैटेलाइट्स आर कोलिनियर विद अर्थ इफ पार्ट ए बोथ आर प्रोग्रेड एंड पार्ट बी वन इज प्रोग्रेड एंड अदर इज रेट्रोग्रेड। तो यहाँ पे कोलिनियर विद अर्थ का इंटरप्रिटेशन बहुत ध्यान से देखना, कोलिनियर का मतलब ओवरहेड नहीं होता है, ध्यान रखना कोलिनियर का मतलब ओवरहेड नहीं होता है, ऑल्दो ओवरहेड भी कोलिनियर होता है, लेकिन एक सैटेलाइट अर्थ के इस साइड है और एक सैटेलाइट सैटेलाइट अर्थ के दूसरी साइड है तो भी कोलिनियर हो सकता है, दो पोजीशंस हो सकती हैं। समझ में आई बात की नहीं? मतलब ये भी कोलिनियर पोजीशन है और ये पोजीशन भी कोलिनियर है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कुछ हमारे टेस्ट में, लेकिन कई बच्चों ने यही सिली मिस्टेक कर दी थी, कोलिनियर का मतलब मान लिया कि अलॉन्ग द सेम रेडियस, वो जरूरी नहीं,
कोलिनियर का मतलब इन द ऑपोजिट रेडियाई भी हो सकता है, समझ गया कि नहीं, बस यही इसमें कैच है, उसके बाद तो हो जाएगा ठीक है। तो क्या लिखा है, कोलिनियर का टाइम पूछा है, व्हेन सैटेलाइट्स आर कोलिनियर विद अर्थ, व्हेन ए बोथ आर प्रोग्रेड एंड वन इज प्रोग्रेड एंड अदर इज द रेट्रोग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देर आर टू पॉसिबल कोलिनियर कॉन्फिगरेशंस, तो दस रिलेटिव टू वन सैटेलाइट द अदर सैटेलाइट हैज टू रोटेट ओनली 180 डिग्री, समझ में ही बात की नहीं, एक सैटेलाइट के रिलेटिव दूसरा खाली 180 डिग्री अगर रोटेट कर गया तो फिर कोलिनियर हो जाएगा, पूरा 360 घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, फॉर मूविंग फ्रॉम वन कोलिनियर पोजिशन टू द अदर कोलिनियर पोजिशन, समझ गए। ओके, दस वेन बोथ आर प्रोग्रेड सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π की जगह पाई अपॉन ओमेगा ए माइनस ओमेगा भी हो जाएगा, ठीक है, 2π नहीं रहेगा, पाई अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा भी हो जाएगा, ठीक है। और इफ वन इज प्रोग्रेड एंड अदर वन इज रेट्रोग्रेड तो पाई अपॉन ओमेगा ए प्लस ओमेगा भी हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, प्रोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड मोशंस कैन आल्सो बी डिफाइंड फॉर सैटेलाइट्स इन द नॉन इक्वेटोरियल प्लेन, अभी तो हम इक्वेटोरियल प्लेन में ही बात कर रहे थे प्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इक्वेटोरियल प्लेन में ही घूम रही हो, हम क्या अर्थ ऐसे स्पिन कर रही है तो सैटेलाइट तो ऐसे भी जा सकती है, तो नॉन इक्वेटोरियल अगर हमारी सैटेलाइट्स हैं उसमें प्रोग्रेड कब करेंगे, तो देखो अर्थ के रोटेशन का कुछ ओमेगा वेक्टर है, ठीक है, अर्थ के रोटेशन का ओमेगा वेक्टर और सैटेलाइट के रोटेशन का भी कुछ ओमेगा वेक्टर है, या सैटेलाइट का रेवोल्यूशन बोलो उसका भी ओमेगा वेक्टर है, अर्थ के ओमेगा वेक्टर में और सैटेलाइट के ओमेगा वेक्टर में अगर एक्यूट एंगल बन रहा है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोग्रेड सैटेलाइट कहते हैं, समझ में आई बात की नहीं, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ जा रही है, ठीक है, दूसरी सैटेलाइट तो किसी एंगल पे जा रही है, जैसे समझ में आ रही है, ये अर्थ का मान लो स्पिनिंग एक्सिस है, तो अभी तो हमारी जो सैटेलाइट थी वो ऐसे ऐसे ही जा रही थी, जैसे अर्थ घूम रही है उसके ओमेगा पैरेलल था या फिर एंटी पैरेलल था, लेकिन ओमेगा वेक्टर ऐसे भी तो हो सकता है, अर्थ ऐसे से घूम रही है और वो ऐसे ऐसे करके जा रही है अर्थ के अराउंड, समझ में आ रही बात की नहीं, कभी सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर, ऐसे से भी तो ऑर्बिट हो सकता है। इसमें भी अगर मेरा इसका जो ओमेगा वेक्टर है अर्थ के ओमेगा वेक्टर से एक्यूट एंगल बना रहा तो हम प्रोग्रेड कहते हैं, ठीक है, और इसका अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है यानी कि अर्थ ऐसे से घूम रही है मान लो वेस्ट टू ईस्ट और ये जो है इसका ओमेगा वेक्टर ऐसे कुछ है, ये ऐसे करके ऐसे से जा रहा है, तो इसको फिर से हम रेट्रोग्रेड सैटेलाइट कहते हैं, समझ गए, फॉर नॉन अलाइंड जिनका रोटेशन एक्सिस। इसके अलावा क्या ऐसा भी सैटेलाइट हो सकता है जो ना प्रोग्रेड हो ना रेट्रोग्रेड हो, बिल्कुल हो सकता है, वो कैसा सैटेलाइट होगा जिसका ओमेगा वेक्टर जो है अर्थ के ओमेगा वेक्टर से 90 डिग्री बना है, तो दैट सैटेलाइट विल बी नाइदर प्रोग्रेड नॉर रेट्रोग्रेड, वो क्या होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर से ऐसे से करके जा रहा होगा, इज इट नॉट, और इसके नीचे से अर्थ ऐसे से घूम रही होगी, तो ये सैटेलाइट किस काम के लिए अच्छा है वो सबका अगर खबर रखना है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे से घूमे जा रहा है तो ये पोलर सैटेलाइट कहते हैं इसको, तो पोलर सैटेलाइट के सबके ऊपर नजर रख सकता है, समझ गए कि नहीं, पोलर सैटेलाइट से सब कंट्रीज के ऊपर नजर रख सकते हैं, देख सकते हैं चाइना पे परमाणु का ये हो रहा है, ठीक है, समझ गए कि नहीं, पोलर सैटेलाइट जो है ये अपना जासूसी करने के लिए काम हो सकती है, ठीक है, तो आगे हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। तो पोलर सैटेलाइट क्या, देखो हमारा सैटेलाइट हुज ऑर्बिट पासेस फ्रॉम अबव द पोल्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड पोलर सैटेलाइट, दस फॉर पोलर सैटेलाइट ओमेगा जो होता है उनका वो अर्थ के ओमेगा के परपेंडिकुलर होता है, सच ए सैटेलाइट विल जनरली पास अबव वेरियस पॉइंट्स ऑन अर्थ and thus unless the time period of polar satellite is exact multiple or fraction of earth's rotation time period it will pass overhead above every point of earth, matlab agar earth ka exact jaise earth ka exact maan lo 24 hours hota nahi exact maan lo earth ka exact 24 hours hota aur iska bhi 24 hours hi hota tab to fir kya hai in dono ke time periods ka lcm exist karta hai, in fact 24 hoga to wo hamesha bar bar usi point ke upar bar bar aate rahega, to it will not pass over different cities, ya fir agar inka jaise maan lo iska exact 6 hours ho gaya और अर्थ का एग्जैक्ट 24 आवर्स हो गया तो फिर ये कि हमको पता पीरियोडिकली फिर सेम सिटी के ऊपर जाने लगेगा, उस केस में हर सिटी को स्कैन नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर मान लो इनका एलसीएम एचसीएफ कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है मान लो, ठीक है, रियल नंबर्स टाइप के, तो फिर पक्की बात है कि हर पॉइंट के ऊपर से ये पास करेगा, ठीक है तो क्या लिखा, सच ए सैटेलाइट विल जनरली पास फ्रॉम अबव वेरियस पॉइंट्स ऑन अर्थ दस अनलेस द टाइम पीरियड ऑफ पोलर सैटेलाइट इज एग्जैक्ट मल्टीपल और फ्रैक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन टाइम पीरियड इट विल पास ओवरहेड अबव एवरी पॉइंट ऑफ अर्थ since earth rotates from west to east the polar satellite would appear to drift westwards from its ground track longitude to jaise maan lo ye north pole ki taraf ja rahi hai actually satellite lekin earth to mera west se east ja rahi hai to satellite to apni samajh se north ki taraf ja rahi hai lekin kyunki earth uske niche se aise nikal gayi west jo gujarat hai wo bengal ki side nikal gaya to fir ye kya ho jayega arabian sea ki taraf drift ho jayega samajh mein aayi baat ki nahi to isliye wo westward drift karti hui dikhegi earth ke frame se agar dekhoge पोलर सैटेलाइट लगातार वेस्ट की तरफ ड्रिफ्ट करते हुए दिखेगी, समझ गए, क्योंकि अर्थ ईस्टवर्ड ड्रिफ्ट कर रही है ना एक तरह से, अर्थ के ड्रिफ्ट तो अर्थ के ऊपर खड़े होकर देख रहे हो तो इसलिए ऊपर में ये है तो उसकी लॉन्गिट्यूड या लॉन्ग वेलोसिटी, लेकिन तुम्हें लॉन्गिट्यूड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी दिख रही है अर्थ घूमती जा रही है उसके नीचे से, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है, ओके, सो सिंस अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द पोलर सैटेलाइट वुड अपीयर टू ड्रिफ्ट वेस्टवर्ड्स फ्रॉम इट्स ग्राउंड ट्रैक लॉन्गिट्यूड,
तो ये जैसे दिखा रखा है ये ग्राउंड ट्रैक जो है इसका, ऐसे करके ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक है, साउथ पोल से आई और ये वेस्ट की तरफ जा रही है थोड़ा सा। ये और डिटेल में दिखा रखा है, देखो ग्राउंड ट्रैक दिखा रखा है पोलर सेटेलाइट का, ये अंटार्कटिका से जैसे कुछ आई तो ये ऐसे करके ऐसे जाती हुई दिख रही है अर्थ को, अगर ये प्रोजेक्शन में दिखा रखा है अर्थ को अगर फ्लैट करोगे तो ग्राउंड ट्रैक जो है दिख रहा है ये थोड़ा वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये फिर नॉर्थ पोल आ गया। इनफैक्ट नॉर्थ पोल में नॉर्थ जब ये प्रोजेक्शन बनाते तो नॉर्थ पोल पूरा पॉइंट जो एक लाइन में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से हमको जो नॉर्थ पोल के आसपास में जो एरिया होते हैं वो जो नॉर्मली जितना एक्चुअल एरिया उससे काफी ज्यादा बड़ा दिखता है, क्योंकि वो पॉइंट को तुम लाइन में स्प्रेड कर देते हो। तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ पोल बन गया, ये पूरा का पूरा साउथ पोल बन गया, समझ गए। तो अर्थ के ऊपर इसका ट्रैक ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ये समझ गए, ऐसे ऐसे ट्रैक इसका चल रहा है। तो समझ में आया पोलर सेटेलाइट का कैसा ट्रैक बनता है, क्लियर है, ठीक है। तो ये ग्राउंड ट्रैक है, ग्राउंड ट्रैक मतलब पोलर सेटेलाइट से जस्ट बिलो अर्थ कौन सा पॉइंट पड़ेगा उसका ये ग्राउंड ट्रैक है, ठीक है। ओके, पोलर सेटेलाइट्स आर टिपिकली यूज फॉर मैपिंग अर्थ, अर्थ का नक्शा बनाने के काम आती है कि कहाँ पे क्या फीचर्स कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, रिकनाइसेंस या जासूसी कोई उसके लिए फैंसी वर्ड है रिकनाइसेंस, एंड ऑल्सो फॉर वेदर मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्शंस उसके लिए यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर रिमोट सेंसिंग यानी क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ विदाउट कमिंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। रिमोट सेंसिंग का ये मतलब होता है हम दूर से अर्थ के ऊपर के ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करें कि ये डैम्स हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ पे ये सब मंदिर है, यहाँ यहाँ पे ये सारे हॉस्पिटल हैं, यहाँ यहाँ पे ये वाला मिनरल अवेलेबल है, यहाँ यहाँ पे ऐसी ऐसी सॉइल है, समझ गए। तो ये रिमोट सेंसिंग के काम आती है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, दिस इज पाथ फाइंडर MCQ 3। क्वेश्चन क्या है, सपोज द सैटर्न रिंग्स कंसिस्ट ऑफ फुटबॉल साइज पार्टिकल्स ऑर्बिटिंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो फुटबॉल की साइज के पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहे हैं। इफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ दीज पार्टिकल्स इज 1.05 टाइम्स ऑफ द मिनिमम स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियल वेट टू द इनर रेडियस ऑफ द रिंग। अच्छा, पहली बात तो ये बताओ कि स्पीड, अब अगर सैटेलाइट की तरह पार्टिकल्स जा रहे हैं तो किन पार्टिकल्स की ज्यादा स्पीड होगी, जो जो सैटर्न के सरफेस के नियरर रेडियस पे है या जो फार्दर रेडियस पे, स्पीड किसकी ज्यादा होगी बोलो। नियरर वालों की ज्यादा होगी, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। देखो तो जितना पास में होगा उसका स्पीड उतना ज्यादा होगा, इधर ना, ठीक है। या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी भी क्या आई थी, रूट जी आर आई थी, जस्ट वन सेकेंड, ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट जी एम बाय आर आई थी, रूट जी आर की जगह रूट जी डैश इंटू आर लिखेंगे तो ज्यादा सही है, लेकिन जी डैश कुछ चेंज हो रहा है तो उससे पता नहीं चल रहा, लेकिन ये हमने देखा था ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, रूट जी एम बाय आर होती है, राइट, ठीक है। तो अभी इससे हम देख सकते हैं लॉग लेके अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या लिख सकते हैं, अच्छा पूछा क्या, देख लेते हैं क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। इफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ दीज पार्टिकल्स इज 1.05 टाइम्स ऑफ द मिनिमम स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियल वेट ऑफ द इनर रेडियस, रेडियल वेट टू द इनर रेडियस ऑफ द रिंग। तो समझ में आ रहा है क्या, सैटर्न के अराउंड ऐसे ऐसे करके पार्टिकल्स चल रहे हैं, तो रिंग की कुछ वेट है, तो इसकी कुछ वेट है और कुछ इनर रेडियस है, ये वेट और इनर रेडियस का रेशियो पूछा है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, मैक्सिमम स्पीड टू मिनिमम स्पीड कितना दे रखा है मुझे, वो 1.05 दे रखा है, समझ गए। तो 1.05 मतलब ये थोड़ा छोटा ही नंबर है, तो यानी बाइनोमियल वगैरह या फिर डिफरेंशिएशन वगैरह यहाँ पे यूज कर सकते, जैसे एरर्स में यूज करते थे हम लोग, ठीक है। तो क्या पूछा, फाइंड द रेशियो रेडियल वेट टू द इनर रेडियस ऑफ द रिंग। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है सभी को, तो कैसे कर सकते हैं इसको, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट जी एम बाय आर, लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दिया, तो लॉग ऑफ रूट जी एम माइनस हाफ लॉग ऑफ आर, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 1/v ऑर्बिटल डी वी ऑर्बिटल इक्वल टू -1/2 r dr। समझ में आया होगा क्या किया, अब इनर रेडियस मान लो स्मॉल आर है और आउटर रेडियस मान लेते हैं आर प्लस डी आर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल चेंज, चेंज इन वेलोसिटी, तो 1 -1.05 / 1 इक्वल टू -1/2 dr/r। समझ में आई बात की नहीं, तो डी आर बाई आर ही पूछा मुझे, यानी ऊपर में कितना चेंज हुआ, तो वो कितना आ गया मेरा, डी आर बाई आर मेरा 0.1 आ गया, तो सी मेरा है 0.1, ये मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो स्मॉलर आर पे ध्यान रखना स्पीड मेरी लार्जर होती है, ठीक है, स्मॉलर आर पे लार्जर स्पीड होती है हमारी। तो आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू एवरीबडी। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना 1 -1.05 क्यों किया, स्मॉलर रेडियस पे लार्जर स्पीड होती है, ठीक है, तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन ये क्या, इनिशियल स्पीड, समझ गए कि नहीं, ठीक है, डी आर फाइनल रेडियस माइनस इनिशियल रेडियस है, इसलिए ऐसा किया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, नोट दैट एट स्मॉल आर वी इज लार्जर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन। टू प्लैनेट्स ए एंड बी आर ऑर्बिटिंग अराउंड दियर सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड 4 r, ठीक है, एक प्लैनेट स्मॉल आर रेडियस में जा रहा है और दूसरा जो है 4 r रेडियस में जा रहा है। बाय द वे, अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट जा रहा हो या सन के अलॉन्ग अर्थ जा रही है, वो एक ही जैसी सिचुएशन है, तो अर्थ भी एक तरह से सन का सैटेलाइट जैसा ही है इस तरह से, ठीक है, पोल से प्लैनेट एंड सन, बट थियरी बिल्कुल सेम है, ओके।
तो क्या लिखा है, दोनों सैटेलाइट प्लैनेट्स का सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट आर रेडियस और फोर आर रेडियस का। इन अ क्वार्टर ईयर ऑफ प्लैनेट बी हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल द प्लैनेट ए मेक। तो क्वार्टर ईयर का मतलब क्या होता है कि वो 90 डिग्री घूमा है सन के अराउंड। जब ए सन के अराउंड 90 डिग्री घूम गया तो हमें क्या पूछा है कि बी कितना घूमेगा, ठीक है समझ गए। सॉरी, बी जब 90 डिग्री घूम गया तो ए कितना घूमेगा, समझ गए क्वेश्चन क्या है। तो अभी इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखो टी स्क्वायर जो होता है मेरा आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो टी स्क्वायर इज 4π² / gm इनटू आर क्यूब, ये देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने। नाउ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन अ गिवन टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो होंगे टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ज्यादा टाइम पीरियड होगा तो कम रेवोल्यूशंस होंगे उतने टाइम में, राइट। तो हम मान लेते हैं na² / nb², na और nb हमारे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं, ठीक है। na² / nb² विल बी प्रोपोर्शनल टू rb³/ra³, समझ में आया। या फिर Na को हम क्या बोल सकते हैं, Nb into Rb by Ra to the power 3/2, ठीक है। अब Nb यानी B के number of revolutions मुझे 1/4 दे रखे हैं, तो Rb by Ra मैंने डाल दिया 4 to the power 3/2, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, समझ गए। तो जितने टाइम में B मेरा 90 डिग्री घूमेगा उसके दो चक्कर पूरे हो चुके होंगे, समझ गए। जब इसका 1/4 ईयर हुआ है तब उसका 2 साल पूरा हो चुका है, साल मतलब डिफाइंड है, अर्थ ईयर जैसे मान लो तुम, जुपिटर ईयर विल बी जुपिटर का टाइम पीरियड, समझ गए कि नहीं। तो इसका 1 साल जो है उसके 8 साल के बराबर हो जाएगा, इधर समझ गए कि नहीं। इसके 1/4 ईयर में उसके कितने हो गए, उसके 2 साल हो गए, तो इसके 1 साल में उसके 8 साल हो जाएंगे, समझ गए कि नहीं। 8 ट्रिप्स उसके कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं वापस, पाथ फाइंडर का एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, टू स्पेस स्टेशन ए एंड बी आर ऑर्बिटिंग द अर्थ विद स्पीड स्मॉल वी इन द सेम ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। तो ये भी स्पेस स्टेशन है और ये भी स्पेस स्टेशन है, दोनों आर रेडियस के अंदर ये रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ओके। स्टेशन बी इज एट अ डिस्टेंस एस अहेड ऑफ स्टेशन ए। तो स्टेशन बी इज एट अ डिस्टेंस एस अहेड ऑफ स्टेशन ए। टू एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम स्टेशन ए हैव टू ज्वाइन स्टेशन बी फॉर दिस पर्पस, दे लीव स्टेशन ए इन अ स्पेसशिप एंड मूव रेडियली टू अ स्लाइटली लोअर ऑर्बिट। तो यहां पे जो है ये थोड़ा सा नीचे आ गए लोअर ऑर्बिट में, ठीक है, क्योंकि इनको स्पेसशिप बी के अंदर जाना है, ठीक है ओके। स्लाइटली लोअर ऑर्बिट एंड स्टे इन दैट ऑर्बिट व्हेन द स्टेशन बी कम्स क्लोजेस्ट टू देम, दे इमीडिएटली मूव रेडियली टू जॉइन द स्टेशन बी, ठीक है। जब स्टेशन बी उनके जस्ट ठीक ऊपर आएगा तब वो स्टेशन बी को इमीडिएटली ज्वाइन कर ले रहे हैं, ठीक है ओके। इफ द टाइम स्पेंड इन द लोअर ऑर्बिट इज डेल्टा टी, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द ऑर्बिट्स। तो हमें ये बताना है कि इन ऑर्बिट्स में सेपरेशन कितना है, यानी कि जो थोड़ा सा नीचे आ गए थे ना, तो ऊपर वाला ऑर्बिट और नीचे वाले ऑर्बिट में रेडियस का कितना डिस्टेंस है, बेसिकली उसकी बात हो रही है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होगी, तो √gm/r होती है हमारी वेलोसिटी, राइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ओमेगा ए और ओमेगा बी तो मेरे ओमेगा के बराबर है, राइट, ठीक है। तो ओमेगा मेरा क्या हो जाएगा, √gm/r³, और थीटा मेरा क्या हो जाएगा, ये थीटा मेरा s/r हो जाएगा। इधर तक समझ में आई सभी को बात। तो लोअर ऑर्बिट हम मान लेते हैं कि वो आर की जगह आर माइनस एप्सिलॉन पे लोकेटेड है। बाय द वे ये स्मॉल आर लिखना चाह रहा था, मैंने कैपिटल आर लिख दिया, तो स्मॉल आर ही करते सब जगह। दिस इज स्मॉल आर एवरीवेयर, कैपिटल आर तो अर्थ के रेडियस के लिए यूज करें ना, ठीक है ओके। तो अब मान लेते हैं कि लोअर ऑर्बिट जो स्मॉल आर माइनस एप्सिलॉन पे, एप्सिलॉन क्या है, थोड़ा सा छोटा रेडियस है, ठीक है, आर माइनस एप्सिलॉन पे। तो ओमेगा लोअर ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, लोअर ऑर्बिट में मेरा ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, दैट विल बी √gm/r - εr कर देते हैं इसको, ठीक है, स्मॉल आर माइनस एप्सिलॉन, ठीक है ओके, ठीक है। अब टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द एंगल थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों ही प्रोग्रेड एक तरह से हैं सैटेलाइट्स, वो नीचे भी पहुंच गया तो प्रोग्रेड सैटेलाइट की तरह ही चल रहे हैं वो, इधर ना। तो क्या हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू थीटा एंगल कवर करना है, तो थीटा अपॉन ओमेगा डैश माइनस ओमेगा, इतना टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, समझ में आई बात की नहीं, वर्टिकली ऊपर। तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी, क्या हो जाएगा मेरा, थीटा तो मेरा s/r है और इसकी वैल्यू डाल दी उठा के यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, तो ये समझ में आ रहा होगा मैथमेटिक्स ही कर रहे हैं इसकी, ठीक है ओके। और फिर इसके बाद मैंने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, तो डेल्टा टी को सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये आ जाता है s/v इंटू 2r/3εr, ये आ जाता है हमारा, ठीक है, सिंप्लीफाई करके वो मैथ्स करके देख लेंगे तुम लोग, ठीक है, क्योंकि एप्साइलन मेरा मच मच लेस देन द रेडियस है ओके। बाय द वे स्मॉल आर सब कैपिटल आर ही है, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर सेम ही है। तो इससे मेरे पास सॉल्व करके मेरे पास फाइनली क्या आ जाता है, एप्साइलन इज 2sr/3v डेल्टा टी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने सब जगह कैपिटल आर कर रखा है तो वहां पर भी वापस कैपिटल आर ही कर देते,
समझ गए, कैपिटल आर ही मेरा रेडियस है, ठीक है, जो सैटेलाइट का ओरिजिनल रेडियस है उसको यहाँ पे वापस कैपिटल आर है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया सभी को कैसे सॉल्व किया ये। तो डिस्कशन है क्या इसमें? इसके बाद हम लोग बात करते हैं टोटल एनर्जी इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो रिकॉल दैट पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर एट द आउटसाइड पॉइंट हमारा क्या था, वी इज माइनस जी एम बाई स्मॉल आर था, बिल्कुल पॉइंट मास की वजह से जैसे होता है, तो ये आउटसाइड पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल था, राइट, ठीक है। तो दस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट क्या हो जाएगा, तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल इनटू मास होता है, राइट, तो क्या हो जाएगा वो माइनस जी एम एम बाई आर हो जाएगा, राइट। अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और स्पीड कितनी है, रूट जी एम बाई स्मॉल आर, अभी थोड़ी देर पहले देखी थी ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो वैल्यू डाल दी हमने, तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, वैल्यू डाल दिया तो क्या आ गया, जी एम एम बाई टू आर, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी ये है और काइनेटिक एनर्जी ये है, अब टोटल एनर्जी निकालनी है तो दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या आ गया मेरे पास, माइनस जी एम एम बाई टू आर, है समझ में। और इससे क्या समझ में आ रहा है कि टोटल एनर्जी जो है वो माइनस जी एम बाई टू आर है, जो कि मेरा काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव है, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज ऑल्सो हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, दिख रहा है, टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, देखते आगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो मेरी स्पीड कितनी है सर्कुलर ऑर्बिट में, रूट जी कैपिटल एम बाई स्मॉल आर, ये मेरी सर्कुलर ऑर्बिट में स्पीड है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तुम्हें पता है एम वी आर हो जाएगा, पर क्योंकि परपेंडिकुलरली जा रहा है ना रेडियस के, तो साइन 90 का ही फैक्टर आएगा, तो सीधे एम वी इंटू आर कर देते हैं, मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, तो वो कितना आ गया, वो वैल्यू डाल दी तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया एम इंटू अंडर रूट ऑफ जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल आर, तो एल को लिख सकते हैं स्मॉल एम रूट ऑफ जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल आर, ये मेरा एंगुलर मोमेंटम आ गया, ठीक है, सैटेलाइट का। वी कैन ऑल्सो शो दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू एल बाई टू एम, एरियल वेलोसिटी क्या होती है, केपलर लॉज में, खैर ये बहुत डिटेल में हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ एरियल वेलोसिटी क्या होती है। अर्थ से, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की लाइन ज्वाइनिंग ऐसे करके स्वीप कर रही है हमारा, ठीक है, समझ गए कि नहीं, झाड़ू लग रही है, समझ लो एक झाड़ू इमेजिन करो, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट को जोड़ने वाला एक झाड़ू है, तो कुछ एरिया ऐसे स्वीप करते हुए जा रहा है ना, तो स्वेप्ट एरिया पर यूनिट टाइम वो हमारा एरियल वेलोसिटी है। तो जो एरियल वेलोसिटी होता है वो एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय ट्वाइस द मास ऑफ द सैटेलाइट होता है हमारा एरियल वेलोसिटी, ठीक है, या फिर वेक्टोरियली, हाँ, तो क्या लिखा मैंने, we can also show that aerial velocity of satellite is equal to l by 2m where l is the angular momentum, aerial velocity means area swept per unit time, samajh mein aa rahi baat ki nahi। to ab jaise yahan pe dekho kaise dikhaya, ye jo figure hai isme ye ta area maan lo dt time mein sweep ho gaya, samajh gaye, satellite aise ja rahi hai to kuch kuch jhadu lagate hue ja rahi hai is area mein, to da area mein jhadu laga di dt time mein, to ye area hoga kitna, to fractional angle kitna ho jayega, d theta by 2 pi fractional angle hai aur pure circle ka area pi r square hai, to kitna ho gaya half r square d theta ho gaya, right, तो dA by dt तो मेरा क्या हो गया हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी हो गया, राइट, और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा वो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा भी लिख ही सकते हैं, बेसिकली रिजिड बॉडी की तरह से सोच सकते हो, अगर कांस्टेंट रेडियस में ही जा रहा है तो मोमेंट ऑफ एनर्जी इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं, राइट, तो एम आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी, अब इसको उठा के पुट कर दो तो dA by dt क्या आ गया एल अपॉन टू एम, एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई ट्वाइस द मास ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, तो dA by dt मेरा क्या आ गया एल वेक्टर बाई टू एम, तो हेयर एरिया वेक्टर इज डिफाइंड बाई द राइट हैंड थंब रूल, मतलब जिस सेंस में तुम्हारा एरिया स्वीप हो रहा है, यानी जिस सेंस में तुम्हारा सैटेलाइट जा रहा है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो उस सेंस में, थंब जिस तरफ आ रहा है तो हम एरिया वेक्टर उसको कह रहे हैं, समझ गए कि नहीं, एरिया वेक्टर इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, ओके, तो वो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर अपॉन टू एम हो जाएगा, ठीक है, एरिया वेक्टर का रेट ऑफ स्वीपिंग इज एंगुलर मोमेंटम वेक्टर डिवाइड बाय ट्वाइस द मास ऑफ द सैटेलाइट, ओके, हियर एरिया वेक्टर इज डिफाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, दैट इज कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन, देन द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, क्लियर है सभी को, ये आ गया समझ में, ठीक है। इसके बाद ये आज की क्लास के लिए लास्ट एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं, तो लेट अस सी दिस, क्या है क्वेश्चन हम लोग का, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मून रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट हुज रेडियस एक्सीड्स द रेडियस ऑफ मून ईटा टाइम्स, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मून के अराउंड ऐसे से जा रही है, और उसका रेडियस कितना है, अगर मून का रेडियस आर है तो इसका रेडियस ईटा आर है, समझ गए, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ मोशन द सैटेलाइट एक्सपीरियंसेस अ स्लाइट रेजिस्टेंस ड्यू टू द कॉस्मिक डस्ट, तो ये सैटेलाइट चल रही है और डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स से टकरा रहे होंगे तो वो सैटेलाइट को स्लो डाउन कर रहे होंगे, स्लो डाउन कर रहे होंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा हमारा सैटेलाइट का रेडियस भी चेंज होने लगेगा, ठीक है, कैसे, तो क्या लिखा, एक्सपीरियंस स्लाइट रेजिस्टेंस ड्यू टू द कॉस्मिक डस्ट अज्यूमिंग द रेजिस्टेंस फोर्स टू डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट एफ इज इक्वल टू अल्फा वी स्क्वायर, तो जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है वो अल्फा वी स्क्वायर के बराबर लग रहा है, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, फाइंड हाउ लॉन्ग द सैटेलाइट विल स्टे इन ऑर्बिट अंटिल इट फॉल्स ऑन द
मून सरफेस, एज्यूम दैट वाइल स्पायरलिंग डाउन द ऑर्बिट इज ऑलवेज नियरली सर्कुलर, होगा क्या डस्ट की वजह से उसका ऑर्बिट और छोटा और छोटा और छोटा होता जाएगा और स्पायरल करते 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 फाइनली ये मून के सर्फेस को टच कर जाएगा। तो क्या पूछा है, कितनी देर बाद ये मून के सर्फेस को टच कर जाएगा, समझ गए। और ये अजम्पशन क्या लेना है कि हमेशा नियरली सर्कुलर मान सकते हैं, परफेक्टली सर्कुलर तो नहीं, ऑब्वियसली स्पायरल कर रहा है, बट नियरली सर्कुलर वाले फॉर्मूले हम लगा सकते हैं। तो इसको दो तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहला तरीका तो क्या है हमारा, वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं। क्या पावर डेवलप्ड बाय द रेजिस्टेंस फोर्सेस क्या हो जाएगा मेरा, एफ डॉट वी, तो वो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा वी क्यूब, क्योंकि फोर्स अपने आप में अल्फा वी स्क्वायर है, तो और उसको वी से डॉट प्रोडक्ट लोगे और माइनस साइन क्योंकि अगेंस्ट द वेलोसिटी है, तो माइनस अल्फा वी क्यूब ये हो गया पावर डेवलप्ड बाय द रेजिस्टिव फोर्सेस, राइट। नाउ बाय वर्क एनर्जी थ्योरम दिस पावर मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दस हम क्या बोल सकते हैं माइनस अल्फा वी क्यूब शुड बी इक्वल टू डीई बाई डी टी, समझिए, वेयर ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, और टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट अभी अभी हमने देखा क्या होता है माइनस जी एम एम बाई टू आर, अभी अभी देखा ना हम लोगों ने सर्कुलर ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, तो आप देख लो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाली है। तो क्या लिख सकते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी को तो मैंने क्या लिख दिया रूट ऑफ जी एम बाई आर, ठीक है, तो अल्फा इंटू रूट ऑफ जी एम बाई आर इसका क्यूब, समझ गए, इसी में वी को सब्स्टिट्यूट कर दिया ऑर्बिटल वेलोसिटी का वी, ओके, दिस शुड बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ माइनस जी एम एम बाई टू आर, तो अभी देख लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, इज इट नॉट, आर और टी के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इज इट नॉट, आप तो बस वेरिएबल सेपरेट करना और इंटीग्रेट करना, तो आर वाले एक तरफ और टी वाले एक तरफ, उसके बाद उठा के इंटीग्रेट कर दिया, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अच्छा टी इक्वल टू जीरो पे मेरा रेडियस ईटा आर है और टी इक्वल टू टी फाइनल जब ये गिर गया तब मेरा रेडियस कैपिटल आर है, क्योंकि मून के सरफेस पे गिर गया तो रेडियस कैपिटल आर है, तो अब इसको उठा के इंटीग्रेट किया और इसके बाद तो बस थोड़ी सी अलजेब्रा है इंटीग्रेट करने के बाद, सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है गिरने का टाइम एम अपॉन अल्फा रूट जी आर इंटू रूट ऑफ ईटा माइनस वन, ठीक है, जी मेरा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है वहां पे, समझ गए, जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर टू स्मॉल जी बोलो। तो ये मेथड समझ में आया सभी को, तो डिस्कशन तो नहीं इस मेथड में, तो देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड। तो एक तो तरीका हमने क्या बोला है, जो रेजिस्टिव फोर्सेस हमारा वर्क कर रहा है रेजिस्टिव फोर्स वो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है। दूसरा क्या हो सकता है, ये जो रेजिस्टिव फोर्सेस का टॉर्क लग रहा होगा सेंटर के अकॉर्डिंग टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है कि नहीं, तो इसका जो टॉर्क होगा दैट शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी तो बोल सकता हूं टॉर्क इनटू द रेजिस्टिव फोर्सेस इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो दूसरी अप्रोच वही है मेरी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम अप्रोच क्या है हमारा, सो रेजिस्टिव फोर्सेस टेंजेंशियल दस कंटीन्यूअसली रिड्यूसेस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट, तो रेजिस्टिव फोर्स का टॉर्क क्या होगा, तो फोर्स तो मेरा माइनस अल्फा वी स्क्वायर है, इसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया तो टॉर्क आ गया, राइट, माइनस साइन इसलिए क्योंकि जिस तरफ एंगुलर मोमेंटम है उसके अगेंस्ट है ये टॉर्क, राइट, तो दिस शुड बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू रूट जी एम आर, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन डिराइव किया सर्कुलर ऑर्बिट में, राइट। तो अब वापस देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई मेरी, है ना, क्या करोगे, वी को दोबारा से रूट जी एम बाई आर डाल दो और यहां से डी आर बाई डी टी निकल के आने वाला, दिख रहा है कि नहीं, अब तो बस टर्म्स को रीअरेंज करना है, तो वापस देखोगे तो उसी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, उसको इंटीग्रेट करोगे तो ये जो है हमारा जो इंटीग्रल बना है यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करने का, दिस इंटीग्रल इज एक्जैक्टली द सेम इंटीग्रल एज व्हाट वी गॉट इन द एनर्जी अप्रोच, ठीक है, तो अपने हाथ से बाद में निकाल के देख लेना, थोड़ा शॉर्ट टाइम था तो हाथ से नहीं करने देने, बिकॉज दिस लॉट टू कवर इन ग्रेविटेशन एंड आई हैव वेरी लिटिल टाइम फॉर दिस, सो इसलिए थोड़ा सा हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारे सॉल्विंग अपॉर्चुनिटी उतना नहीं मिल रहा है, बट यू कैन ऑलवेज सॉल्व इट ऑफलाइन, अपने आप घर पे बाद में कर सकते हैं, तो आई होप समझ में तो आया होगा ये, ठीक है, तो बस इससे भी वही सेम इंटीग्रल है तो आंसर ऑब्वियसली सेम होगा, ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टूडेज क्लास, इसमें कुछ डिस्कशन है तो बोल सकते हो, अदरवाइज वी जस्ट कंक्लूड, एनी डिस्कशन, सो ऑल राइट, सो आई जस्ट कंक्लूड दिस लेक्चर फॉर टूडे, आज काफी सारे आइडियाज हम लोगों ने सीखे हैं, तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ एक बार रिव्यू कर लेना, आज जो भी हम लोगों ने सीखा है आज की क्लास में काफी सारे आइडियाज इकट्ठे हो गए, ठीक है, तो इन सारे आइडियाज को एक बार रिव्यू कर लेना घर पे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में और हम आइडियाज देखेंगे, जो ग्रेविटेशन में एक्सक्लूसिव आइडियाज हैं उनमें और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, काफी चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली होती है उनके लिए ऑलरेडी फेमिलियर है, बट वी विल सी लॉट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स इन ग्रेविटेशन अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी लर्न्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, सो विल स्टॉप फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।